<clears throat> एक बार जरा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग लाइव है कि नहीं और फिर हम शुरू करते हैं मैं सी और आज हम करने वाले टू आवर्स yeah, so के अंदर हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीजें ऑलमोस्ट एवरी विल ट्राई टू कवर यहाँ पे चलो ठीक है शुरू करते है जी बिल्कुल <clears throat> आप अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठिएगा चलो स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पे अगर हम बात करें चलो आज हम करेंगे थोड़ा स्पीड में थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे फटाफट -फड़ चीजें कवर हो जाए जी शुरू करते दे गुड मॉर्निंग एवरीबडी अगर मैं यहां पर देखू तो मंजित सत्यम मयूर महक निखिल चंदन विवेक हर्षित प्रशांत एंड एवरीबडी निखिल सत्यम या सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अभी हम कर रहे हैं शुरू यहाँ पे लेक्चर से ओके okay? नाउ एक काम करते हैं सर सर्विस कॉस्टिंग थोड़ा सा पहले समझा दो ठीक है अच्छा तो अगर हम समझाने की बात करेंगे तो जरा देखना सर जिंदगी में जो भी बिजनेस है ना हम बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक बिजनेस विच इज कनेक्टेड विद गुड्स अनदर बिजनेस विच इज कनेक्टेड विद सर्विस सर एग्जाम्पल मान लो मान लो अगर आपको क्या बेचना है पेन बेचना है विच इज कनेक्टेड विद गुड्स अच्छा और अगर ये पेन बेचना है तो आपके पास दो ऑप्शन है पेन खरीदो और पेन ही बेचो दैट इज ट्रेडर कि पेन खरीदो और पेन बेचो बाई पेन एंड सेल पेन या तो प्लास्टिक खरीदो इंक खरीदो फिर उससे पेन बनाओ और फिर बेचो बट दिस बिजनेस आर कनेक्टेड विद गुड समथिंग विच इज टैचेबल हम कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं एक कोई चीज जैसे ये हेडफोन है या फोन है या चार्जर है जो भी चीज है ये प्रोवाइड किया उसके अगेंस्ट पैसा मिला दैट इज गुड्स के अगेंस्ट एक दूसरा होता है विच इज सर्विस तो एक ही चैप्टर ऐसा है एक ही चैप्टर ऐसा है जो आपका सर्विस कॉस्टिंग से डील करता है दर इज ओनली वन चैप्टर दैट डील्स विद सर्विस कॉस्टिंग जैसे कि ये चैप्टर है सर so, सर्विस क्या होती है मान लो मान लो आपने ऐसा सोचा कि हम एक गाड़ी खरीद लेंगे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आपने मान लो सोचा कि हमें कार खरीद लेंगे और ओला का बिजनेस शुरू करेंगे ओला लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाएंगे फिर वापस आ जाएंगे तो आपने लोगों को क्या दिया सर्विस दी आपने लोगों को दी सर्विस इट कैन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आप लोगों के गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाओगे या लोगों को ही पहुंचा दोगे एक जगह से दूसरे जगह पे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और कैन बी पैसेंजर जी बिल्कुल जी जी में तमन्दना रिंका ओके अभी यहाँ पे देखना जी मंजित बिल्कुल अच्छा दूसरी चीज हॉस्पिटल हम लोगों को ठीक करते हैं होटल हम लोगों को बीमार कराते हैं खाना पीना खिला के यू नो द सर्विसेज भी प्रोवाइड हम इसकी बात कर रहे हैं तो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ट्रांसपोर्ट चलो एक एग्जांपल लेते हैं और चीजें समझते हैं हमने बात करी हम सर्विस कॉस्टिंग में ये यह, यहाँ पे बात कर रहे हैं ठीक है डन चलो एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है सोचो मान लो आपने सोचा है कि मैं कार खरीद लूंगा ध्यान से सुनते जाना यह वीडियो अपलोडेड रहेगा जी बिल्कुल मैं ये बोलता हूं यहां पर मैं ये बोलता हूं यहां पर कि आपने मान लो एक कार खरीद ली आप लोगों को आप लोगों को प्लेस ए से प्लेस बी पे पहुंचाओगे जरा ध्यान से सुनना आप लोगों को प्लेस ए से प्लेस बी पे पहुंचाओगे तो कुछ खर्चा होगा यस सर एक कार है जिसमें पांच लोग बैठ सकते हैं और डिस्टेंस है ये यहाँ का चालीस किलोमीटर सर अगर मान लो मैंने कार खरीदी दे। खरीदेंगे कभी तो क्या लगेगा डिप्रेसिएशन लगेगा सर एक साल के बाद उसकी वैल्यू कम होगी सर कार खरीदिए मैं नहीं चलाने वाला मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ मैंने एक ड्राइवर को रख दिया है ड्राइवर को सर ड्राइवर की सैलरी अभी कंडक्टर मत बोलना यहां पे कार में थोड़ी रहेगा हाँ अगर बस रहेगी तो कंडक्टर की सैलरी भी आ जाएगी अच्छा सर कार खरीदिए तो उसका इंश्योरेंस हमें निकालना पड़ता है सर फिर कार खरीदिए तो रात को पार्क करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पर तो दैट पार्किंग फीस और सर गाड़ी चलेगी। जब गाड़ी चलेगी चलेगी जब वो जो खर्चा होता है उसको फ्यूल कॉस्ट जब गाड़ी चलती है है और जो खर्चा होता है, अभी इंट्रोडक्शन है तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं थोड़ा टाइम दीजिए हम लिखना भी शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर अच्छा सुनना सर मैं बोलता हूँ गाड़ी तो मैंने बोला गाड़ी है तो सर उसकी वैल्यू कम होगी डेप्रिसिएशन फिर उसका एक साल का इंश्योरेंस निकालेंगे ड्राइवर चलाने के लिए रख दिया है पार्क करेंगे तो एंड में रात को खर्चा आएगा फिर जब गाड़ी चल रही है पूरा दिन तो फ्यूल का खर्चा

ड्राइवर को रखा है बोला बिजनेस करेंगे अपन ओला उबर का तो जो पैसा मिलेगा ना दस हजार वो सेल्स बोल सकते हो या हम ये कस्टमर से पैसा लेंगे तो इसको टेकिंग भी बोला जा सकता है या तो फिर हम इतना रुपया चार्ज करेंगे भाई रुपये रुपये हमें मिलना चाहिए ये हम चार्ज करेंगे जी बिल्कुल क्या बोलते हो इतना समझा जी बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझा कि इतना हमें रिकवर करना है दस थार थार कस्टमर से अभी सुनना ये आंसर हम कैसे रिकवर करेंगे इसके दो ऑप्शन से इसके दो ऑप्शन से सुनना मुझे बताओ हम कितने लोगों को सर्विस दे रहे हैं पांच लोग एक कार में मान लेते हैं ड्राइवर जो है उसके अलावा और पांच लोग बैठ जा सकते हैं जिनको सर्विस दी जा रही है और डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है 40. सर सारे चैप्टर का रिवीजन कराओगे जी बिल्कुल सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट है ध्यान से रखिएगा वहां पे सेव करके ये प्लेलिस्ट रहेगी आपकी आ, या तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा ओके ना मैं ये बोल रहा हूं मुझे बताओ ये मेथड वन मेथड टू मेथड वन जो करना चाहिए देखो सेल्स मेरा कितना है दस लाख सॉरी दस हजार मुझे रिकवर करना है अच्छा ये मुझे कितने लोगों से रिकवर करना है तो सर ये जो एक ट्रिप का खर्चा मान लो ये एक ट्रिप का है कि लोगों को मैं छोड़ के आता हूं तो सर मेरा दस हजार मुझे रिकवर करना है कितने लोगों से पांच लोगों से तो क्या अपन दैट इज आई विल रिकवर टू थाउजेंड जी बिल्कुल ये एक से रिकवर करूंगा मैं दो हजार एक आदमी से रिकवर करूंगा फिर मैंने और एक सोचा सर अगर मैं दो हजार रुपया एक आदमी से रिकवर करूंगा लेकिन एक आदमी को मैं सर्विस कितना दूंगा फोर्टी किलोमीटर मतलब तो का है। मैं उसको भाई, मुझे 2000 रुपया दे। और मैं दर को सर्विस चालीस किलोमीटर की दे रहा हूं so क्या अगर टू थाउजेंड रुपीज फॉर फोर्टी किलोमीटर तो पर किलोमीटर आई एम चार्जिंग कितना 50 रुपीज. इसको क्या बोलते हैं टेकिंग पर पैसेंजर पर किलोमीटर मतलब मैं एक पैसेंजर से मैं एक पैसेंजर से एक किलोमीटर ट्रेवल करने का पचास रुपया लूंगा एक किलोमीटर तुझे कितना जाना है भाई चालीस किलोमीटर तो फिफ्टी रुपीज एक किलोमीटर का लगता है एक पैसेंजर का चालीस किलोमीटर का कितना लगेगा दो हजार रुपया पांच लोग है तो इंटू फाइव लोग कर दो क्या बात करते हो ये समझा आपको जी बिल्कुल ये हमको समझा लेकिन सर आईसीआई ऐसे नहीं करता आईसीआई क्या बोलता है अरे क्या मगजमारी है एक बार ये डिवाइड करते हो एक बार ये डिवाइड करते हो एक काम करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पांच लोग मिलके अगर पांच लोग मिलके एक एक आदमी चालीस किलोमीटर ट्रैवल करेगा ऐसे पांच लोग है ना तो पांच लोग मिलके टोटल ट्रैवल कितना हो जाएगा इसको बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर किलोमीटर जहां पे हम पैसेंजर्स और का कितनाशन करते हैं तो पचास पैसेंजर्स देखो यहां पे पहले किलोमीटर निकाला चालीस और पैसेंजर किलोमीटर की वर्किंग के लिए हम क्या करेंगे पांच पैसेंजर्स इन टू फोर्टी किलोमीटर तो कितना आ जाएगा सर टू हंड्रेड आ जाएगा यस सर टोटल

कोई कोई पैसेंजर ऐसा होगा जिसको तीस किलोमीटर तक जाना है और किसी को पूरा फोर्टी किलोमीटर जाना है तो मैं बोलूंगा एक किलोमीटर का पचास रुपया बढ़ा है तो तुम्हें दस किलोमीटर जाना है तो इतना लगेगा इंटू टेन uh, फिर मैं बोलूंगा फिफ्टी इंटू तुझे कितना जाना है थर्टी किलोमीटर फिर फिफ्टी इंटू फोर्टी किलोमीटर क्या बोलते हो क्या ये आपको कहानी समझी अब मैं आपको बता रहा हूं आपको आईसीआई के जैसा सॉल्व करना है तो क्या करना है ये स्टेप फॉलो करने हैं सबसे पहले आपको निकालना है किलोमीटर वर्किंग नोट नंबर वन सबसे पहले किलोमीटर निकालना है स्टेप नंबर टू आपको निकालना है पैसेंजर किलोमीटर किलोमीटर इतने इतने पैसेंजर्स इतने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई कर देना देन आपको कितना रुपए रिकवर करना है दस हजार उसको डिवाइड कर देना टू हंड्रेड से पैसेंजर किलोमीटर से तो टेकिंग पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा जी बिल्कुल आई होप अच्छा एक चीज और विच इज एक्स्ट्रा आई एम सिंग हा Right इसमें ना थोड़ा सा एक नाम दिया गया खर्चों को कभी कभी तीन पार्ट में डिवाइड करता रिपेयर का खर्चा समझ में आता है हाँ उसके अलावा गाड़ी चलेगी तो कौन सा खर्चा होगा रनिंग चार्जेस दैट इज फ्यूल गाड़ी चलेगी तो फ्यूल होगा नहीं रुका दोगे तो नहीं होगा फ्यूल का खर्चा आपने ड्राइवर को मंथली बेसिस पे रखा हुआ है डेप्रिसिएशन ये सारी गाड़ी चले ना चले ये खर्चा तो होगा स्टैंडिंग गाड़ी ला रखी है मतलब खर्चा होगा गाड़ी आपने अपने गेट के बाहर खड़ी कर दी खरीद के खत्म खर्चा होगा चलाओ मत चलाओ डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस और अगर चलाओगे तो फ्यूल लगेगा और जब रिपेयर के लिए तो ठीक है मैं क्या बोलता हूँ जो बोलना था वो हो गया अभी मॉड्यूल का क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं समझने का चलो सो so, अब हम सॉल्व करेंगे विच इज इलस्ट्रेशन अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर वन देखना एक सेकेंड इलस्ट्रेशन कौन सा है मॉड्यूल का टू तो चलिएगा अपने बुक में क्वेश्चन वन था मॉड्यूल का है ये इले नंबर टू जरा देखिएगा देखिए यहां पर रफ में आंसर निकालेंगे फेयर वाला आंसर आपको बता दिया जाएगा देखना यहां पे क्वेश्चन है सर यहाँ पे डेटा कौन से महीने का दिया गया एक महीने का एक महीने का अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व देखना जरा एक महीने का डेटा है हाँ एक महीने का आपके पास डेटा दिया गया और हमारे पास कितनी बसेस है फाइव क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सोच लो कि आपके पास ये जो डेटा है वो उसी महीने का मतलब ये जी बिल्कुल अभी जरा यहां पे हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा जी क्या है बिल्कुल एवरीबडी आई कैन सी चैट एवरीबडी प्लीज कम टू हिलस्ट्रेशन नंबर टू ए एक्स ए पैसेंजर और जो लोग ने प्लस में पढ़ रखा उनके है उनके लिए क्वेश्चन नंबर वन है उनके लिए क्वेश्चन नंबर वन है इधर आते हैं। चलो नाउ सर ए एक्स ए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग फाइव बसेस एट टू टाउन्स विच आर फोर्टी किलोमीटर अच्छा तो डिस्टेंस कितना है चालीस किलोमीटर ओ क्या बात है डिस्टेंस चालीस किलोमीटर का है देखना जरा आगे सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस ये बाद में देखो पैसेंजर किलोमीटर के लिए हमें पहले किलोमीटर चाहिए आगे बढ़ते है सर एवरेज एक्चुअल पैसेंजर कैरिड इज सेवेंटी फाइव परसेंट ये भी हमें बाद में चाहिए ये अभी नहीं चाहिए

सॉरी एक बस का नहीं एक महीने का डेटा है ये अप्रैल के महीने का और हमारे पास कितनी बसेस है पाई। तो जशन इट इज अप टू यू नाउ बेटर होगा लेकिन 2X पे देख ले तो पहले का अब सुनना मैं ये बोलता हूं कि डिस्टेंस चालीस किलोमीटर है अच्छा मुझे बताओ एक बस कितनी राउंड ट्रिप मारेगी एक राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप मतलब गया और वापस आया मतलब एक दिन में कितना किलो टू ट्रिप्स हुआ टू ट्रिप्स हो गया टू ट्रिप्स राउंड ट्रिप बोले तो आप ऐसा कर सकते two, हो 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 बात वही गई वन और ये राउंड ट्रिप का का टू तो, तो टोटल किलोमीटर एक दिन हो जाएगा हम एक राउंड ट्रिप मारते हैं तो जाते हैं और आते हैं मतलब अस्सी किलोमीटर अगर आप ऐसा देखो तो ये ट्रिप है ये वन ट्रिप्स ट्रिप्स कितने trips रहेंगे और ये राउंड बिकॉज वापस आओगे तो उतना तो तो डबल डिस्टेंस कवर हो जाएगा नाउ ये एक बस का है और ये एक दिन का है ऐसा कितने दिन चलेगा मंथ कौन सा है अप्रैल का तो जनवरी फेबर मार्च अप्रैल अप्रैल में कितने दिन होते हैं थर्टी डेज तो ये कितने का आ गया एक बस का आ गया और oh, सॉरी एक महीने का आ गया लेकिन इंटू हाउ मेनी बसेस आई हैव फाइव बसेस आई हैव तो क्या बसेसू वन इंटू टू इंटू थर्टी फाइव तो हम बारह हजार किलोमीटर के लिए अपनी गाड़ी चलाएंगे बारह हजार किलोमीटर देखिएगा यह आपका आंसर आएगा ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर विच इज फर्स्ट आंसर ट्वेल्व थाउजेंड किलोमीटर ओके okay. अच्छा सर दूसरा अब हमें चाहिए पैसेंजर किलोमीटर अब हमें क्या चाहिए सर पैसेंजर किलोमीटर अब हमें चाहिए पैसेंजर किलोमीटर जी बिल्कुल right और भी ने रीड करना पड़ेगा ये मॉड्यूल के क्वेश्चन में देखना जरा क्या लिखा है तो कितने पैसेंजर बैठते हैं चालीस लेकिन सर एक चालीस की कैपेसिटी है सर बैठते चालीस नहीं है चालीस की कैपेसिटी है लेकिन बैठते कितने हैं सेवेंटी अरे हमेशा बस फुल रहेगी जरूरी नहीं है तो कितने पैसेंजर बैठते हैं तो फोर्टी इंटू सेवेंटी फाइव परसेंट ये आपके पैसेंजर्स हो गए और किलोमीटर्स कितने हैं बारह हजार तो फोर्टी इंटू फाइव परसेंट थर्टी इंटू बारह हजार कितने पैसेंजर किलोमीटर हो जाएंगे तीन लाख साठ हजार पैसेंजर किलोमीटर बराबर तीन लाख साठ हजार क्या बात है हर्षित रोहित जतिन चंदन दैट इज राइट आंसर एकदम परफेक्ट इतने आपके पैसेंजर किलोमीटर हो जाएंगे बिल्कुल और ये सारा डेटा किस चीज़ का चल रहा है एक महीना और फाइव बसेस का चल रहा है ओके अंजलि परफेक्ट प्रभप्रीत पर, प्रब, ओके मयूर ओके एंड पूर्वा निखिल परफेक्ट नाउ अच्छा समझना इतना आंसर निकालने के बाद अब आपको क्या बनानी है कॉस्ट शीट अभी आपको बनानी है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट और मकसद मत भूलना इधर मकसद क्या है इधर मकसद सिंपल है इधर मकसद है एक महीने का पाँच बस का खर्चा निकालना है पूरे कंपनी में जितनी भी बस है सर अच्छी बात क्या है सर अच्छी बात यह है कि ये खर्चा दे रखा है देखो इधर ये वाला खर्चा आपको दे रखा है सीधा वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड आपको सीधा ये वाला खर्चा दे रखा है एग्जाम में पूरा लिख देना है एक एक करके टोटल कॉस्ट ये टेबल से आ जाएगा आपका कि एक महीने में आपका खर्चा कितना होगा ख फोर्टी फोर थाउजेंड अगर आप देखोगे तो देखो ये दे रखा है इधर किधर गया ये इधर ये ही क्यों आ रहा है रुको ये इधर इधर ही सही था. हाँ। देखो दे रखा है पैसेंजर किलोमीटर तो डिवाइड तो बाई कर दो पैसेंजर किलोमीटर तो सर ये जो मेरा खर्चा है डिवाइडेड बाई तीन लाख साठ हजार तो पर पैसेंजर किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा का नाम है 1, 24, 3, 60, 000, बोले तो क्या ये आंसर अगर आपको आया तो हम आगे बढ़ते ये सोलह मिनट और फटाक से एक क्वेश्चन तक हमने खत्म करा है जी आपका मॉड्यूल so आप में देख लीजिएगा येस yes, आपका पॉइंट फोर का आंसर आ गया यहाँ पे देखो पर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर डन तो इलस्ट्रेशन नंबर टू हमने डन कर लिया है अब हम बढ़ रहे हैं आगे सर आगे कौन सा खर्च आएगा इलास्ट्रेशन नंबर थ्री आ जाएगा जी डन सर एग्जैक्टली लिखा गया है अगर हम इलेट्रेशन नंबर थ्री देखेंगे तो देखना इसमें भी डिस्टेंस कितना है फोर्टी किलोमीटर पहले हमें किलोमीटर थी चाहिए तो किलोमीटर 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 अगर मैं पढ़ू 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 किलोमीटर

मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेना है आपको बस सोचना है आपके कन्वीनियंट के हिसाब से तो जैसा मैंने कराया था वैसे ही करते इधर एक साल का कर लेते हैं बिकॉज बहुत सारा डेटा एक साल का दिया है एनुअल फिर यहां पे ये एक रेंट लेकिन ये एनुअल है ये भी पर एनम है तो बहुत सारा डेटा पर एनम के हिसाब से दिया है और रोशन अभी तक डिसाइडेड नहीं है बट कल जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट है उसके बाद में चाहिए तो एक बार बैठ के शेयर करवा देता हूँ ठीक है अच्छा जी अभी अगर हम इधर देखेंगे तो चलो हम क्या निकालेंगे एक आ, एक ही बस है हमारे पास इस क्वेश्चन में और वन ईयर दैट इज़ द थिंकिंग कि एक बस का एक साल का खर्चा डन चलो पहले हम क्या निकाल लेंगे किलोमीटर हमने अच्छे से लिखा हुआ है हम रफ में यहाँ पे समझ रहे हैं कि पहला पार्ट अपना किलोमीटर्स का आएगा तो सर एक बस 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है फोर्टी किलोमीटर डन अच्छा सर एक दिन में कितना डिस्टेंस तय करती है देखो एक दिन में बस विल टेक थ्री अप एंड डाउन ट्रिप्स तीन बार जाएगी अप और तीन बार डाउन मतलब ट्रिप्स हो, तो हो, तो कि तो हो तो किलोमीटर जो है आप जैसे भी सोचो देखो आप ऐसा सोच सकते हो फोर्टी किलोमीटर एक बार जाने का फोर्टी किलोमीटर आने का तो भी आप बोल सकते हो एटी किलोमीटर तीन बार होगा तो एटी इंटू थ्री दैट इज ऑल्सो टू फोर्टी या तो पहले फोर्टी इंटू थ्री एक बार जाने का बोल दिया सारा कितना आ गया फोर्टी इंटू थ्री एक बार गए तो एक सौ बीस और जितनी बार गए उतनी बार वापस आओगे इंटू टू तो भी दो सौ चालीस तो बात तो वही है कोई टेंशन नहीं है जी बिल्कुल परफेक्ट अब अगर हम इधर से आगे देखें ये पैसेंजर वाला पार्ट बाद में पहले कितना दिन हम ट्रैवल करेंगे द तो बस विल रन ट्वेंटी फाइव डेज इन अ मंथ तो हम पच्चीस दिन चलेंगे ट्वेंटी फाइव डेज और इससे ये तो एक महीने का आ जाएगा एक ही बस है तो टेंशन नहीं और इंटू ट्वेल्व मंथ करना पड़ेगा तो हमें आ जाएगा हमारा ये फोर्टी इंटू थ्री इंटू टू इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व चल जाएगा चल जाएगा समझ में आ जाएगा 72, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर करके ठीक है डन ये मंथ से करे या एनुअल कह रहे बोला ना मंथ से भी कर सकते हो बट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा डेटा में चलो मंथली भी करवा के बता दूंगा आंसर सेम ही रहेगा अभी के लिए एनुअल कर दो देखो इधर लिखा तो है एक बस का एक साल का जी जी जुमेर अच्छा दूसरा सर यह होने के बाद यह पहला आपने बता दिया अभी दूसरा अभी हमें क्या चाहिए पैसेंजर किलोमीटर तो देखिएगा हमें किलोमीटर्स तो पता हमें अभी पैसेंजर्स ढूंढने हैं तो सर कितने लोग बैठते हैं गाड़ी में चालीस और कुछ ऑक्यूपेंसी रेशियो नहीं बताया है तो ऑक्यूपेंसी रेशियो नहीं बताया तो चालीस ही बैठते रहेंगे देखो तो चालीस ही बैठते रहेंगे सीधा तो फोर्टी पैसेंजर्स पैसेंजर्स रहेंगे और बोला नहीं कि कितनी कैपेसिटी इतनी ही बैठते फिर सीधा और इंटू 72,000 टू थाउजेंड किलोमीटर तो पैसेंजर किलोमीटर कितना आ जाएगा फोर्टी इंटू सेवनटी टू थाउजेंड पीयूष नहीं पढ़ाते अच्छा आप जा सकते हो चलो सुनो सो so, पहला किलोमीटर आ गया दूसरा आपका क्या आ गया पैसेंजर किलोमीटर नाउ अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो अभी हमें क्या बनानी है कौशिट तो चलो तीसरा अब कौशिट भी अपनी यही वाली बनेगी एक साल की एक साल की आ, एक साल की अगर एक बस मेरे पास है तो एक साल में क्या क्या खर्चा होगा ये पैसेंजर किलोमीटर एक साल का आ गया अभी खर्चा क्या क्या होगा तो जरा देख लीजिए जी सर खर्चे में खर्चा द बस द बस कॉस्ट रुपीज थ्री लैक अरे भाई ये मत लिखो ये खर्चा तो भाई ये तो दस लाख का खर्चा डेप्रीसिएशन आएगा तो आपको ये वाले वाले पॉइंट के साथ क्या कनेक्ट करने मैं इधर एक तो लाइफ और स्क्रैप वैल्यू है नहीं तो मैं बोलता हूं बस की लाइफ है टू पॉइंट फाइव ईयर तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा ए एंड एफ को आप कनेक्ट करोगे तो डेप्रिसिएशन तो देखना आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा इन दैट केस अगर हम देखेंगे तो एक सेकेंड जरा मॉड्यूल में मैं सोच रहा हूं ये भी ओपन कर लू सो दैट इट इज इजी सर्विस कॉस्टिंग या एक ही सेकेंड दीजिएगा सर्विस कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर ये हाँ डन तो जरा अगर हम इधर ध्यान देंगे तो देखना इधर अगर मैं ध्यान दू तो बाप रे बाप ये इसको ऊपर कर देना चाहिए सिंगल टूल पर रुको जरा सेटिंग करनी पड़ेगी अच्छा सुनना सो so, अगर अभी मैं क्वेश्चन पढ़ू तो देखो आपको क्या चाहिए रहेगा पहला डेप्रिसिएशन सो so, डेप्रिसिएशन के लिए मैं क्या बोल दूंगा आपका दस लाख का ये असेट है माइनस क्रैप वैल्यू जीरो है और डिवाइड भाई ये कितने साल चलेगा टू पॉइंट फाइव ईयर तो मेरा एक साल का आ जाएगा देखो टू पॉइंट फाइव ईयर्स दिया हुआ था

लाख इंटू थ्री परसेंट तो ये कितना आ जाएगा? चलो आगे अरे दूसरी बातें मत करो इधर पढ़ाई करो तो सर इंश्योरेंस के बाद अगर मैं टैक्स के बात करूं तो गैरेज रेंट आई जस्ट नीड इट फॉर वन ईयर तो इज इट फॉर वन ईयर नो सर इट इज ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ मल्टीप्लाई विद एक साल का खर्चा आ जाएगा बीस हजार इंटू बारह अच्छा तो ये लिख दीजिएगा दो लाख चालीस हजार अच्छा ये होने के बाद गैरेज रेंट के बाद अगर हम बोलेंगे एनुअल रिपेयर्स तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे रिपेयर्स अच्छा जरा रिपेयर्स में देखना कितना आएगा तो एनुअल रिपेयर्स जो है वो आपके है दो लाख चार हजार हमें एक साल के ही चाहिए ओके दो लाख चार हजार अच्छा बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर टू पॉइंट फाइव और अगर कुछ लोग रिविजन लेक्स like में शायद ना समझा ऐसा हो सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा इट इजन लेक् आपको मैं सारी चीजें इसे में समझा दू अगर आपको कुछ करना है तो आप पेड वाले आराम वाले लेक्चर देख लीजिए जो फुल फ्लैश डालेगा ये रिपेयर हो गए और ये रिपेयर के बाद ये लाइफ वाला पार्ट हो गया अच्छा सुनना अब हम इधर देखते हैं। <coughs> अब हम इधर देखते हैं ड्राइवर सैलरी देखना जरा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे। ड्राइवर को हम कितना रुपया देते हैं थर्टी थाउजेंड तो चलो अगर मैं ड्राइवर की सैलरी की बात करूं तो सर थर्टी थाउजेंड एक महीने का है तो थर्टी थाउजेंड एक महीना तो बारह महीने का कितना हो जाएगा रहने दो तो जतिन रहने देते हैं। तीन लाख साठ हजार चलो ये हो गया आपका तीन लाख साठ हजार और आगे सर हम कंडक्टर को भी रखते हैं ये बस है ना बाबा कंडक्टर को भी रखेंगे कंडक्टर सैलरी कंडक्टर सैलरी हम्म यस yes, yes. चलो धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं पच्चीस हजार प्लीज आप टू एक्स पे देखो जो लोग लेट हो ये तीन लाख आ जाएगा सुनो एक पार्ट और है सर जो मुझे समझाना है थोड़ा सा पेशेंस जिंदगी में कभी कभी पेशेंस रखने का इसको रहने दो ये मैं थोड़े देर में समझाता हूँ थोड़े से देर में बस थोड़ी देर के लिए मान लो कि सर ने नहीं बताया थोड़ी देर के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी तो कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कितने का आएगा देखो अगर मैं स्टेशनरी की बात करूंगा तो हो सकता है दैट इज वन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व तो कितना आ जाएगा बारह हजार आ जाएगा जी बिल्कुल मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी तो अकाउंटेंट की सैलरी कितनी आ जाएगी अकाउंटेंट सैलरी इज इट पर एनम आई नीड पर एनम तो सेवनटीन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व तो ये दो लाख चार हजार हो जाएगी चलो चलो बस 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 धन्यवाद थैंक यू सो मच अभी अकाउंटेंट सैलरी के बाद पेट्रोल पेट्रोल अच्छा सुनना क्या पेट्रोल आपको समझ में आता है पांच सौ रुपये सौ किलोमीटर का सुनना अगर अपनी गाड़ी हंड्रेड किलोमीटर चलेगी तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा फाइव हंड्रेड रुपीज अगर अपनी गाड़ी हंड्रेड किलोमीटर चलेगी तो हमें फाइव हंड्रेड रुपीज देना पड़ेगा जी बिल्कुल और हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चलने वाली है सर सेवेंटी टू थाउजेंड किलोमीटर हमारी गाड़ी सेवेंटी टू थाउजेंड किलोमीटर चलने वाली है जरा आ, अरे बस 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 इतना प्यार काफी है तुम्हारा अभी तुम बस आंसर निकालो 72,000 टू थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड अपन हंड्रेड विच इज थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड आंसर पे ध्यान दीजिए आप तीन लाख साठ हजार कुछ गलत तो नहीं किया बातों बातों में सेवेंटी टू थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड हंड्रेड या बराबर है तीन लाख साठ हजार आपका यह आंसर आ जाएगा जी बिल्कुल पेट्रोल बराबर कुछ लोग जलने लग गए और यहाँ पे पेट्रोल आ गया देखो चलो अभी के अगर हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बस विल टेक थ्री राउंड ट्रिप्स हमने बात कर ली और यहाँ पे ये ऑन एवरेज ये भी बात कर ली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हमने सारे खर्चे लिख दिए एक लाइन मैंने छोड़ा था कुछ कमीशन वगैरह था उसको हमने छोड़ा था तो एक काम करो जरा इधर टोटल कर लेते हैं कैल लीजिएगा थोड़ी मेहनत करिए चार लाख प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस दो चालीस चार लाख प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस दो चालीस प्लस दो लाख चार हजार प्लस तीन लाख साठ प्लस तीन लाख प्लस बारह ट्वेंटी वन लाख थर्टी थाउजेंड देखिए क्या जरा यही आंसर आता है जरा मैं चेक कर लूँ टोटलिंग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी नहीं जी ट्वेंटी वन लाख थर्टी थाउजेंड ये आपका आंसर आ जाता है बिल्कुल अब ये वाला जो नहीं 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 एम गेमिंग ये नहीं जी जी जी

और ये दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे वो ठीक है लेकिन कंपनी के जेब से कितना टेन परसेंट दोनों ले लेंगे से इसमें एक खर्चा और ऐड करना बाकी है कमीशन कमीशन और ये कितना है अगर मैं हाँ पे लिख तो टेन परसेंट ऑफ टेकिंग आई कैन से तो ये आपका जो है ये ऑफ टेकिंग है जी बिल्कुल अगर मैं इधर ऐड कर दू फिर मुझे फाइनल टोटल कॉस्ट आ जाएगा विच इज इंक्लूडिंग कमीशन ऊपर वाले में कमीशन एडेड नहीं था <coughs> अब इधर हमने ऐड कर दिया आई डोंट नो जशन विल सी दिस फिर इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो जाके हमें टेकिंग मिल जाएगी कि इतना रुपया हम कस्टमर से लेंगे दैट इज टेकिंग क्या बोलते हो इतनी बात आपके दिमाग में गई टोटल कॉस्ट फिर हम इसमें ऐड करेंगे कमीशन देन टोटल कॉस्ट ये इंक्लूडिंग कमीशन आ गया इसमें ऐड करो प्रॉफिट एंड देन विल गेट फाइनल टेकिंग कि इतना रुपये हम कस्टमर से लेंगे जी बिल्कुल इतना हमको समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ेंगे देखना यहां पे अगर मैं मान लो ये मान लेता हूं मान लेते हैं सौ रुपया सौ रुपया मेरी टेकिंग है तो सर कमीशन कितना देना पड़ेगा अरे दस रुपए का वादा किया है ना टेन परसेंट का तो दस रुपए देना पड़ेगा जी बिल्कुल अच्छा हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सर हम फिफ्टीन परसेंट ऑन टेकिंग कमाना चाहते हैं फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट तो कंपनी कंपनी वॉन्ट्स टू वन प्रॉफिट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ टेकिंग क्या बोलते हो तो सर कितना आ जाएगा सौ रुपए का पंद्रह टका बोले तो ये पंद्रह हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अरे एट्टी फाइव का प्रॉफिट होगा सौ रुपया समझे अब मैं कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा सीधा टोटल करो और इधर का आंसर निकालो फाइनल एक एक करके एग्जाम में लिख देना अभी मुझे फाइनल आंसर चाहिए ट्वेंटी वन लाख थर्टी थाउजेंड से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हंड्रेड कितना आएगा क्या बात है मैं कर जश्कर बोल देता हूं यार अब ये नाम बहुत पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है प्रभप्रीत करके ऐसा दो बार सोचना पड़ता है मुझे पीपी -पी बोल देता हूँ बेस्ट है पीपी सो टेकिंग आएगा ट्वेंटी एट लैख फोर्टी थाउजेंड जी सो so, आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट लैख फोर्टी थाउजेंड अच्छा सर पूछा क्या है आर दे आस्किंग फॉर टेकिंग अरे लेटेस्ट चेक ना बाबा इतना क्या तुम गाई करते पूछा क्या है सर पूछा ये है पूछा तो हमने भी था किसी को आज तक आंसर नहीं मिला देखो कैलकुलेट द बस पर पैसेंजर किलोमीटर था तो मुझे यह पता है सर एक साल में कितना रुपया कलेक्ट करना है अभी पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए पर तो डिवाइड कर दो तो पैसेंजर किलोमीटर डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर तो मुझे एक साल में ये इतना करना है और डिवाइड बाय पैसेंजर किलोमीटर अगर मैं देखूंगा ट्वेंटी एट लाख एटी थाउजेंड ट्वेंटी एट लाख एटी थाउजेंड कर दीजिए कितना आया पॉइंट नाइन से मिल रखने तो दो या तो चार रखने तो चार आपकी इच्छा अनुसार जैसे आपकी श्रद्धा कम से कम दो से मिल रखना आपको चार रखने तो वो भी सही है मिनिमम दो रखने हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में चार ही रखने का हमेशा बिकॉज आईसी हमेशा चार रखता है एक काम करते हैं जरा देख लेते हैं यहाँ पे कि ये आंसर जो है ये बराबर आया क्या अपना मॉड्यूल से मैच हुआ क्या जरा देखते हैं मॉड्यूल 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 या देखो किधर गया हाँ ये देखो दिख रहा है जी बिल्कुल अभी अभी हमने आंसर निकाला था देखो ये दिख रहा है यस सर सो ये आंसर हमने निकाला पॉइंट नाइन एट सिक्स क्या बोलते हो क्लियर है एकदम बराबर है चलो कितना बढ़िया है ना इधर आधा घंटा हो गया अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दो एक क्वेश्चन नंबर टू कर लिया और एक क्वेश्चन नंबर थ्री कर लिया अब आगे बढ़ते इधर तो चलो सर दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं अभी हम आगे बढ़ेंगे एक उसके बाद दो दो हो गए दो अच्छा अगर आप मंथली करते तो डिवाइड हो वो टेंशन नहीं था अच्छा सुनो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर टू पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर टू अब हम एक जगह नहीं घूमते हम बहुत घूमते हैं जैसे मैं घूमते रहता हूं तुम्हारा दिमाग घूमते रहता है आता कुछ बस ऐसा है बोलते हैं ना एक लेक्चर से उधर लेक्चर तुम भी घूमते रहते हो सुनना अब क्वेश्चन है, जो है। uh, रोहित मिश्रा बिल्कुल तुम्हें क्यों नहीं पहचाना तुम फ्यूचर के रैंकर हो अरे हाँ यार प्रमोशन कर दो ये मैं भूल जाता हूं याद दिलाया करो तो सर देखिए अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी ऐसा आपको लगता है कि राहुल सर से पढ़ना चाहिए सो so, आपको यहाँ पे यहाँ पे आप अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो दीज आर द रैंकर जो हमने प्रोवाइड करा है फाउंडेशन में और आई डोंट टीच इन फाउंडेशन बट ये फाउंडेशन और इंटर के आपके रैंकर है उसके अलावा अगर मैं पर्सनल जहाँ पे मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ बस आपको ये बता देना चाहता हूँ ये भी बता देते अच्छे से कि जो एक मे वाला एग्जाम हुआ था मे एक ट्वेंटी वाला और अभी एक हुआ था नवम्बर ट्वेंटी तो यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट को ऐसे तो बहुत सारे लोग को मार्क्स आए थे लेकिन मैं सबसे बता रहा हूँ एक स्टूडेंट को हंड्रेड में, में से हंड्रेड आया था एंड शी अराउंड और आई आर उसको मिला था ओके okay, उसके अलावा ये वाला नवम्बर ट्वेंटी थ्री में एक स्टूडेंट को नाइनटी सेवन आया था और उसका ए आई आर फोर आया था इवन जिसका ए आर आर वन आया था उसको भी नाइन सेवन नहीं सॉरी एक 94 आया था सॉरी मिस्टेक 94 आया था इवन हैज गॉट दिस तो या यू कैन ट्रस्ट मी फॉर दैट मैटर आपको रेलिवेंट चीजें ही पढ़ाई जाती है आजू बाजू का दिमाग खराब नहीं कराया जाता जितना काम का और सही तरीके से है उतना समझा दिया जाता है और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अभी के लिए फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है प्राइजेस आगे जाके बढ़ सकते हैं आपको करना क्या होगा आपको यूज करना होगा एक कोड आर पी सी है कोई कितना भी बोले यूज हमेशा एडुकेटर का कोड यूज करने का भले वो मैं हूं या कोई भी हो तो अगर मेरा यूज करोगे तो आर पी सी है और या

सीधा साधा बनने की कोशिश करता हूँ ऐसा प्लस में नहीं होता चलो देखते हैं नाउ चलो सो so, अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं किधर गए हम दिल्ली बिल्ली में घूमने वाले हैं वैसे भी जाना लगा ही रहता है चलो देखते हैं देखिएगा सर अभी ये अभी थोड़ा स्पीड में करें जी कोई कितना भी कॉल करे कोड हमेशा एडुकेटर का यूज करने का फिर वो कोई भी एडुकेटर हो अरे मेहनत एडुकेटर करता है सेल्स टीम क्यों लेके जाएगा भाई माना सील भी मेहनत करता है बेनिफिट उतने ही रहेंगे उल्टा एडुकेटर का यूज करोगे तो शायद थोड़े ज्यादा मिल जाए बेनिफिट चलो अब हम आते पीपी -पी टू पे चलो पीपी -पी टू चलो पीपी -पी टू जरा इधर देखते हैं पीपी -पी टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू अब जरा देखिएगा इधर हम क्या करने वाले हमारी एक बस है एक ही बस है चलो हमारी एक बस है और हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से कहाँ जाएंगे चंडीगढ़ फिर दिल्ली से कहाँ जाएंगे आगरा फिर दिल्ली से जाएंगे जयपुर माँ कसम कितना घूम रहे हो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ एक काम करता है लिखना शुरू कर देते हैं पहले हम जाएंगे किलोमीटर्स निकालने हमें पहले किलोमीटर्स तो सबसे पहली वर्किंग हमारी यही रहेगी कि, किलोमीटर्स की लेकिन इसमें इस, इस बार घूमने वाले बहुत दिल्ली से किधर जाएंगे चंडीगढ़ फिर दिल्ली से जाएंगे आगरा फिर दिल्ली से जाएंगे जयपुर तो ज़रा समझना अच्छा हमें जानना है यहां पे अगर आप नोटिस करोगे डेटा एक महीने का है जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा तो चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं हम जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो डिस्टेंस कितना है दो किलोमीटर पचास किलोमीटर ये वन वे है अरे सर तो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे क्या आएंगे ना तो इंटू टू भी करना पड़ेगा रिटर्न का ये एक दिन में अगर हम जाएंगे एक जर्नी 250 किलोमीटर जाने का वापस रिटर्न आने का ये वन वे डिस्टेंस है और ऐसा एक महीने में कितनी बार करेंगे हम आठ बार

हम लोगों को जयपुर छोड़ने जाएंगे अभी 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है आने का जाने का मिला के इतना हो गया और इनटू ऐसा हम छह दिन जाएंगे तो चलो अभी अगर आप आंसर निकालोगे तो एक महीने में हमारी गाड़ी कितना घूमेगी इस एक महीने में एट प्लस टेन प्लस सिक्स देखो कि अराउंड ट्वेंटी फोर डेज हम काम करते हैं ये एक महीने में महीने का है ये सो टू फिफ्टी इंटू टू इज चार हजार टू टेन इंटू इज चार क्या बात है चार right हजार को ऐसा बोल नहीं पर मैं आपके जरूर रहा हूं देख रहा हूँ बिल्कुल दैट इज राइट आंसर अब अगर हम इधर आंसर निकालेंगे तो ये कितना थ्री टू फोर जीरो प्लस चार हजार दो सौ प्लस चार हजार वन वन फोर फोर जीरो किलोमीटर बिल्कुल ये आगे हमारे किलोमीटर्स, ये आगे हमारे टोटल किलोमीटर्स एक महीने के दिस इज़ फॉर मंथ, और हमारे पास एक ही बस है एक ही बस है फिर भी अगर मैं इधर देखू देखो ये इधर सोल्यूशन में या सो so एक ही बस है जिसका हमारे पास डेटा है जो हमने निकाल दिया आगे देखते हैं सुनो अगर मुझे यहां पे ये निकालना है कैपेसिटी के बारे में सुनना जरा ध्यान से अगर मैं इधर पढ़ू तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है पहले ये देख लो सिटिंग कैपेसिटी सिटिंग कैपेसिटी अपनी एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं मालूम है पचास लोग बैठ सकते हैं लेकिन सर बैठ सकते मतलब बैठेंगे थोड़ी यू हैव अ कैपेसिटी टू टू स्टडी फॉर फोर्टीन आवर्स बट क्या फोर्टीन आवर्स के लिए पढ़ोगे नहीं नहीं सर हम प्लान बनाएंगे खाली फोर्टीन आवर्स का पढ़ेंगे दस घंटा फिर रात को रिग्रेट करके सो जाएंगे कि कल से पढ़ूंगा फिर कल सुबह उठेंगे सोचेंगे आज मेहनत करूंगा फिर ऐसा नहीं होगा फिर कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा ऐसा चलो डन अभी देख लो तो कैपेसिटी अपनी पचास घंटे की है मजाक कर रहा हूं आप पढ़ते हो मुझे पता है चलो अभी तो चलो मैं इधर ही काम खत्म कर दू क्या पैसेंजर किलोमीटर का ये नीचे लिखने से अच्छा देखो अभी मुझे पैसेंजर्स निकालने हैं कितने रहेंगे फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा देखो इधर निकाल लेता हूं मैं अभी बोलोगे सर हमारे पास जगह नहीं है ठीक है सुनो इंटू इंटू क्या पैसेंजर्स है इंटू इंटू बट कैपेसिटी देखो कितने ऑक्यूपाइड रहेगी 90 जब आप इधर जाओगे राइट right? इधर जाओगे तो कितनी ऑक्यूपाइड रहेगी कितने और इधर जाओगे तो कितनी रहेगी सेटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड हंड्रेड परसेंट चलो सो अन एन एवरेज कितने तो आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो ये पैसेंजर आ जाएंगे आपके पास अरे पैसेंजर से ये किलोमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जस्ट गेट दी आंसर जस्ट गेट दी आंसर उज परसेंट विच इजन लाखीड टू हंड्रेड एटी फाइव जी आप इसका नीचे अलग से वर्किंग बता सकते हो पैसेंजर किलोमीटर लेकिन वो मैंने इधर ही बता दिया आप ये लिख के अलग से बता सकते हो ये वाला एक नीचे वर्किंग ठीक है चलो फिर थ्री टू टू

अब हमें बनानी है कॉस्ट शीट हमारे दिमाग में फिक्स है एक महीने का ये डेटा है देखो एक महीना हमने लिखा है तो एक बस का कितना खर्चा होगा कॉशीट बना लेते हैं कि हमारा कितना खर्चा होगा जी बिल्कुल बना लेते हैं कॉस्टीट जी बिल्कुल सो एक एक करके हमें लिखना है खर्चा अभी जरा देखते जाना इधर कॉस्ट ऑफ द बस तो कॉस्ट ऑफ द बस से डेप्रिसिएशन मिलेगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दी रहेगी देखो ये तो सीधा इधर लिंक करके दिए देखो इधर अब नहीं तो छोड़ देने का लाइन फिर मुझे पता चलता है बारह लाख ,00 की बस है और यहां पे गलती मत करना ये पर आना आएगा लेकिन मुझे तो पर मंथ चाहिए ना तो डेप्रेसिएशन निकालते टाइम बारह लाख ,00 इंटू ट्वेंटी परसेंट डेप्रेसिएशन निकालते टाइम बारह लाख इंटू ट्वेंटी परसेंट लेकिन ये पर आना बन जाएगा और मैं एक महीने की कॉशीट बना रहा हूँ प्लीज़ ध्यान दीजिए एक बस की एक महीने की कॉशीट चल रही है तो मुझे वन मंथ का खर्चा चाहिए बस सिंपल है मुझे एक महीने का खर्चा चाहिए बिकॉज मैंने ऊपर जो किलोमीटर निकाले वो एक महीने के निकाले चाहिए तो उसको भी मल्टीप्लाई ट्वेल कर दो इधर भी कर देना पड़ेगा फिर बारह लाख इंटू ट्वेंटी परसेंट डिवाइडेड बाई ट्वेल्व यस बीस हज़ार आ जाएगा जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सैलरी ऑफ द ड्राइवर लरी ऑफ ड्राइवर कंडक्टर पार्ट टाइम अकाउंटेंट अच्छा इज इट डायरेक्टली फॉर वन मंथ यस चौबीस हजार दी गई है फिर नीचे ट्वेंटी वन थाउजेंड दी गई है और नीचे फाइव थाउजेंड दी गई है इज इट इट इज डायरेक्टली फॉर वन मंथ विच इज गिवन ड्राइवर कंडक्टर एंड पार्ट टाइम अकाउंटेंट यस सर अब हमें अच्छा एक चीज और भूलना भूल बुल गया आप यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो अरे बापरे उसके बाद भी वीडियो को लाइक नहीं किया गलत हो जाएगा भगवान देख रहे हैं एक वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है ट्वेंटी सेवन लाइक्स है और लोग चालीस के ऊपर दिख रहे हैं बहुत गलत बात है इसके तो पैसे नहीं लगते हैं। चलो सो नाउ दिस इज समथिंग दैट वी गो इसके बाद सर इंश्योरेंस 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 कितना दिया गया पर एनम दिया गया तो सर पर एनम नहीं चाहिए अपने को बारह करना पड़ेगा डिवाइड बिकॉज हमें तो एक महीने का चाहिए चार हजार आठ सौ डिवाइडेड बाई बारह विचिस चार सौ आ जाएगा जी बिल्कुल उसके बाद अगर मैं इंश्योरेंस के बाद देखूंगा तो डीजल अच्छा डीजल कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन किलोमीटर तो इसकी वर्किंग आ जाएगी सर एक लीटर जब पेट्रोल ये एक लीटर जब हम कंज्यूम करते देखो ऐसा आप बोल सकते हो जब ये एक लीटर का कंजम्पशन होता है ना एक लीटर का तो मुझे बताओ इस एक लीटर के अंदर कितना किलोमीटर जाती है तुम्हारी गाड़ी चार किलोमीटर ये इस एक लीटर के अंदर तुम्हारी गाड़ी चार किलोमीटर जाती है लीटर का कितना रुपया देना पड़ता है

ओके नाउ सो आपका आंसर कितना आ जाएगा वन सिक्स जीरो वन सिक्स जीरो जी बिल्कुल रोड टैक्स रोड टैक्स तो सर जो हमारा खर्चा है रोड टैक्स का वो है वन फाइव नाइन वन फाइव ये पर आनम है जी पी पी बढ़िया अच्छी बात है चलो अब आपको राउंड ऑफ़ नहीं ये राउंड ऑफ कर देते हैं भाई मजाक नहीं करते अभी ये परमिट फीस उसके बाद लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेंट ऑयल ये भी वापस मेहनत करना पड़ेगा सर सौ किलोमीटर का दस रुपया है सौ किलोमीटर का दस रुपया है और मैं चलाऊंगा गाड़ी डबल वन डबल फोर जीरो किलोमीटर तो कितना आ जाएगा यू कैन गेट दिस आंसर डबल वन डबल फोर जीरो इंटू टेन डिवाइड बाई हंड्रेड आपका आपका आंसर आंसर आएगा वाला आ जाएगा जाएगा डबल जाएगा डबल करके उसके उसके बाद बाद क्या परमिट परमिट फी उसके बाद आप जाएगा? परमिट फी सीधा दे दिया है एक ही महीने का चाहिए अपने को <clears throat> फिर क्या दिया है रिपेयर्स 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 फिर क्या दिया है रिपेर्स. और रिपेर्स कितना दिया है? वन और कुछ दिया है क्या हाँ एक पैसेंजर टैक्स है अच्छा लेकिन ये तो टेकिंग पे डिपेंडेंट है और सर जो खर्चा टेकिंग पे डिपेंडेंट होता उसके है उसके साथ से डील करते हैं जैसे कमीशन था अभी वो ड्राइवर का एक काम करो टोटल फर्स्ट टोटल जो आपने लिखी है देखो जहां पराणाम किया यहाँ पे ध्यान देना है बस टेक द टोटल ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थ्री प्लस वन थाउजेंड जरा टोटल गलत तो ना आ जाए उसका एक कंफर्मेशन कर लेते हैं 234, 345 जी बिल्कुल टोटल बिल्कुल सही है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं एक है एकदम परफेक्ट आंसर ये अब देखना ना ये जो मेरा टोटल है इसमें एक और खर्चा आएगा जैसे वहां पे कमीशन आया था यहाँ पे एक और खर्चा है जो सेल्स पे डिपेंडेंट है उसको अलग से बता देने का पैसेंजर टैक्स तब जाके मेरा फाइनल खर्चा आ जाएगा इंक्लूडिंग पैसेंजर टैक्स फिर मैं इसमें ऐड क्या करूंगा प्रॉफिट और हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो हमें सेल्स या तो हम क्या बोल देंगे टेकिंग मिल जाएगी जी बिल्कुल हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट तो इसमें क्या मिल जाएगी हमें टेकिंग आज कंपेरेटिवली ज्यादा लोग हैं बिकॉज शायद लेक्चर दोपहर को रखा गया है सुबह सुबह हमें उठने होता नहीं है सर हमारी एग्जाम तो नजदीक आ रही है बट हमारी नींद नहीं जा रही है हमें शर्म नहीं आ रही है हम क्या करें बताओ भाई आ जाया करो जब भी अभी तो साढ़े बारह को ही होगा लेक्चर अभी हम फिक्स कर देते हैं अगर हमारा वाई पे सेशन होगा आठ बजे का नहीं अभी हम साढ़े बारह का ही रख देते हैं ठीक है आठ बजे अभी नहीं होगा वो अपना प्लस पे चलेगा पेड़ वाले बच्चों का सुबह का चलो अभी आगे बढ़ते हैं तो सर अगर हम इधर से आगे बढ़ेंगे ना <coughs> तो ये बस का पैसेंजर का टैक्स कितना देना है हमें ट्वेंटी रुपीज ऑफ टोटल टेकिंग तो अगर टेकिंग हंड्रेड है एक्सप्लोर थैंक यू सो मच चलो अभी आगे बढ़ते हैं चलो ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी ये ट्वेंटी आ गया पैसेंजर टैक्स बिकॉज इट वॉज रिटर्न इट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ टेकिंग करके ये बोला गया था अच्छा हमें कितना प्रॉफिट कमाना है हमें थर्टी परसेंट टेकिंग पे कमाना है तो यहाँ पे थर्टी परसेंट कमाना है तो क्या ना इसे सौ रुपए में से तीस का प्रॉफिट होगा मतलब सत्तर का कॉस्ट होगा सौ रुपए में से अगर मैं आपको बोलूं कि आपका तीस का प्रॉफिट होगा मतलब सत्तर का कॉस्ट और सेवेंटी के कॉस्ट में से बीस का कॉस्ट पैसेंजर टैक्स है तो सर ये तो आ जाएगा फिफ्टी अब दिमाग लगाइए कम और लीजिए यहाँ पे आंसर निकाल लीजिए देखो कितना आता है हंड्रेड इंटू टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव डिवाइड बाई फिफ्टी देट इज फोर सिक्स एट सिक्स नाइन जीरो इतना रुपया हम रिकवर करेंगे जी बिल्कुल मुझे बताओ ये हम एक महीने में रिकवर करेंगे पैसेंजर से और मैं एक महीने में कितना पैसेंजर किलोमीटर चलाने वाला है गाड़ी फाइव टू जीरो फाइव डबल जीरो फाइव टू जीरो फाइव डबल जीरो पैसेंजर किलोमीटर है तो पर पैसेंजर किलोमीटर कितना चार्ज करेंगे ये है हाँ आपका पैसेंजर किलोमीटर तो मुझे बताइए आप पर पैसेंजर किलोमीटर कितना चार्ज करवाओगे डिवाइडेड बाई फाइव टू जीरो फाइव डबल जीरो जीरो पॉइंट नाइन जीरो ही ले लेते हैं। सिंपल बोलो तो जीरो पॉइंट नाइन जीरो तो जीरो जीरो फोर भी लिख सकते हो चलेगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो 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 फाइव हो जाएगा क्या हाँ आई सी आई ने क्या करा अच्छा नाइन जीरो जीरो फाइव लिख देते चलो ठीक है लिख रहे हो तो नाइन डबल ट्रिपल जीरो जी right आंसर जो है हमें पूछा क्या, है मैं क्या सुनो पूछा क्या अगर एक बंदा दिल्ली से अगर ये पर पैसेंजर कितना रुपए लोगे जिसको चंडीगढ़ जाना है जिसको आगरा जाना है दिल्ली से और जिसको जयपुर जाना है तो बात सिंपल है मुझे बताओ अगर मैं बोलूँ दिल्ली से मुझे चंडीगढ़ जाना है दिल्ली से आगरा जाना है या दिल्ली से जयपुर जाना है तो डिस्टेंस कितना है कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस देखो ये 250, 210, 270, 250, 210, 270 दो सौ है ये डिस्टेंस है आपका किलोमीटर का और अगर मैं आगे बोलूँ आपको कि ये डिस्टेंस है जो हमारा किलोमीटर का है और इसके अलावा अगर आपको आगे बोला जाए सो इन हम पर किलोमीटर कितना चार्ज करेंगे इतना पर एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का इतना चार्ज करेंगे और उसको बोलेंगे अच्छा दिल्ली जाना है, तो 0 0 .9, second, into, into, 250. तो कितना लेंगे दो सौ पच्चीस रुपए जितना लेंगे डेसिमल लिखना है तो लिख सकते हो फिर आगरा जाना है वन एटी नाइन रुपीज लेंगे दो सौ सत्तर इधर लेंगे टू फोर्टी थ्री रुपीज पॉइंट डेसिमल में लिखोगे तो बिछ लेगा और या तो ये फाइनल अमाउंट है तो आप इसको ऐसे ही रखो तो भी चल जाएगा जी बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं आई होप प्रोसेस इज वेरी मच क्लियर वट एवर आई वॉन्टेड टू कन्वे ऐसे सॉल्व होगा राइट right? अगर ये क्लियर है तो हम यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बताइए सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच क्लियर एंड नाउ वी कैन प्रोसीड अहेड ओके चलो सो so चलिएगा अभी हम यहां से आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कुछ चीजों को हाँ सर ये तो हमको क्लियर हो गया है ये इजी क्वेश्चन था जी आप बोलते हो इजी तो इजी था डन ये भी हो गया डन अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अभी है ना कुछ पैसेंजर रूम वाला चीज से कनेक्टेड है जी जी गेमिंग ये दस अनकेडमी पर मेरा नाम एसएसपी है सर ओके प्रशांत एस एस पी तुम भी बहुत पढ़ाकू बच्चे हो फिर मुझे याद है वो एस एस पी करके जिसका आई थिंक वॉच टाइम सबसे ज्यादा होता है आई थिंक आप शेयरिंग पे भी चलाते हो ऐसा भी हो सकता है और पढ़ते भी रहोगे वैसे चलो अभी यहाँ पे देखते हैं लेट्स सी सो so, अभी अगर हम देखेंगे ये चैप्टर से दस मार्क का आता है अभी तक तो हिस्ट्री है हर एक चैप्टर मतलब इस चैप्टर ये पक्का पक्का है टेन मार्क्स फॉर श्योर फॉर श्योर होता है ना फॉर श्योर वाला फॉर श्योर चलो अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे अब हम जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखना कौन सा क्वेश्चन कराया जाएगा आपको यहां पे जी जोशन धन्यवाद उसके लिए चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं विच इज इलेन नंबर सिक्स इन द मॉड्यूल तो चलो इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स पे आते हैं इन द मॉड्यूल एज टू वट इज लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चलो देखते हैं इलेस्ट्रेशन नंबर सिक्स किधर गया नंबर सिक्स देखिए सुनिए अच्छा जी धन्यवाद गेमिंग अब जरा इधर देखना अब हम अगर इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहा है क्वेश्चन नंबर को देख रहा है देखता है इसमें क्या क्या है तो सर अंपनी रन हॉलीडे हो ओहो आपको मजा ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में देखना एक कंपनी है जो है ना एक बिल्डिंग है कंपनी के पास एक बिल्डिंग है और उसके तो अंदर उसने रूम्स बनाए हुए और तीन तरह के रूम बनाए हुए हैं सिंगल रूम डबल रूम और ट्रिपल रूम ऐसे तीन तरह के रूम है एक कंपनी मतलब एक होटल इंडस्ट्रिया तो एक कंपनी जिसके पास एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग बिल्डिंग को उसने तीन पार्ट में डिवाइड किया है सिंगल रूम से, डबल रूम से रूम से डबल ट्रिपल और ये बिल्डिंग वो क्या कराता है? भाड़े पे चढ़ाता है भाड़े पे देता है लेकिन ये उसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है ये खुद भी भाड़े पे लेता है ये सब लेटिंग जैसा है अरे अचानक से ज्यादा लोग कैसे दिखने लग गए एक जितने कुछ ग्लिच आ गया क्या एक लोग आ गए बढ़िया तो लाइक कर दिया जाए नाउ अंडरस्टैंड नाउ ट्राई टू अंडरेंट ऑफ एट रेंट ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड पर मंथ ओके तो जरा इधर देखना हम दस हजार रुपया एक महीने का देते हैं अलॉन्ग विद फाइव परसेंट टेकिंग अच्छा ये मेरे लिए इनकम ये बिल्डिंग हायर पे ली है हमने ये बिल्डिंग हायर पे ली गई है अगर ये हमने भाड़े पे ली है कहीं शेयर हो गया रहेगा शायद लिंक तो आ गए रहेंगे अच्छा देखना अगर ये बिल्डिंग हमने भाड़े पे ली है सर कुछ गड़बड़ तो है पता नहीं अभी देखते हैं अब अगर हम यहां पर पढ़ेंगे नौ जरा यहां पर समझना किसी लेक्चर से छूटे रहेंगे या पता नहीं अब अगर हम इधर देखेंगे तो ये टेन ता, थाउजेंड हमें एक महीने का देना है अलॉन्ग विथ

सिंगल डबल और ट्रिपल अच्छा अब आप मुझे ये मत पूछो कि ट्रिपल रूम यूज कौन करता है फैमिली जा सकती है डबल रूम आपको पता है और सिंगल तो आप खुद वाकिफ हो उस चीज से तो जरा देखता है अब अगर हम यहां से आगे पढ़ेंगे तो देखना हमारे पास हंड्रेड रूम सिंगल वाले हैं हमारे पास फिफ्टी रूम डबल वाले हैं और हमारे पास थर्टी रूम कौन से वाले ट्रिपल वाले हैं अच्छा क्या सर ये हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है नहीं सर चलो अगर हम इधर देखेंगे तो सर ये रूम ये जो हंड्रेड रूम है ना सिंगल वाले हंड्रेड परसेंट ऑक्यूपाइड है हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है और अगर मैं जरा आगे देखूं तो जो डबल रूम है वो कितना ऑक्यूपाइड रहेगी आप बोल दोगे एटी परसेंट ऑक्युपेंसी रहती है मतलब पचास रूम हमेशा भाड़े पे नहीं रहती चालीस रूम भाड़े पे जाती 10 कभी -कभी है दस रूम खाली रहती है ऑन एन एवरेज कभी कम कभी ज्यादा ऑन एन एवरेज एटी परसेंट ऑक्युपेंसी है अदर इधर सिक्सटी परसेंट अच्छा एक काम करते हैं ये सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़ना यहाँ पे मेरे साथ लिखते जाइएगा हाँ ये कौन सा इलस्ट्रेशन है तो सर ये है हमारा इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स हम लिख देते हैं इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स और अगर हम इधर तो से आगे बढ़ेंगे तो जरा समझिएगा कि कैसे सॉल्व होगा जरा देखना अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे इलास्ट्रेशन नंबर सिक्स के लिए तो जरा समझिएगा कि कैसे सॉल्व होगा अगर मैं ये बोलूं कि सिंगल रूम एक लिख दो मेरे साथ सिंगल रूम डबल रूम और ट्रिपल रूम देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूं अगर मैं ऐसा बोलता हूं जो लोग लाइव है वो वीडियो को बिल्कुल थोड़ी देर के बाद लाइक कर सकते हैं जी बिल्कुल इफ अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल अच्छा सुनना मैं ये बोल रहा हूं अगर मैं सिंगल रूम से कितना रुपया लेता हूं द रेंट ऑफ द डबल रूम स्वीट इज टू बी फिक्स दैट टू पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम अगर मैं सिंगल रूम से कितना रुपया लेता हूँ एक्स अगर मैं सिंगल रूम से एक्स रुपीज लेता हूँ तो डबल रूम से कितना लूंगा द रेंट ऑफ डबल रूम इज 2.5 टाइम्स तो 2.5 टाइम्स मतलब कितना हो जाएगा ये 2.5x हो जाएगा ये रेंट है रेंट पर डे ये रेंट पर डे है रेंट पर रूम एंड पर डे तो एक रूम से हम एक दिन का कितना रुपया लेते हैं अगर इधर x लेते हैं सो so हमने इधर कितना मान लिया 2.5x एंड द दैट ऑफ ट्रिपल रूम स्वीट इज एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम स्वीट मतलब जितना भी आप डबल रूम से लेते हो उससे डबल पैसा ट्वाइस पैसा ट्रिपल रूम के लिए लोगे तो ट्रिपल रूम के लिए ये एक दिन का हो गया जी जुमेर अभी यहां पे थोड़ा सीरियसली पढ़ा रहे हैं अभी देखना अगर हम इधर से आगे जाएंगे मुझे बताओ कितनी रूम से ये है हंड्रेड लेकिन क्या ये सारी ऑक्यूपाइड रहती है नहीं तो कैन से दिस इनटू इनटू

तो ये तो निकाल लो हंड्रेड इंटू हंड्रेड परसेंट तो ये हंड्रेड एक्स एक दिन का भाड़ा आ गया पचास इंटू एटी परसेंट चालीस रूम भाड़े रिकवर करोगे इसका भी हंड्रेड एक्स आ गया थर्टी इंटू सिक्सटी परसेंट मतलब आपकी अठारह रूम भाड़े पे जाएंगी और उसका फाइव एक्स मतलब नाइनटी एक्स मिलेगा सो मुझे बताओ एक दिन का भाड़ा कितना हो जाएगा दैट इज पर डे का एक दिन का एक रूम के भाड़े के हिसाब से एक दिन में आप कितना रुपया रिकवर कर लोगे इतना आपका रेवेन्यू होगा टू नाइन जीरो एक्स विच इज रेंट पर डे

एक्स के टर्म्स में 290 नाइनटी आप एक दिन का रिकवर करोगे तो 360 डेज का आप वन जीरो फोर फोर इतना रुपया रिकवर कर लोगे वन जीरो फोर फोर इतना रुपया आप कस्टमर से रिकवर कर लोगे जी बिल्कुल अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे जी अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे जरा देखना अब यहां से आगे बढ़ने के बाद जरा देखते हैं ये हमारा टेकिंग आ गया सुनना

और रुपीज में निकालेंगे तो मुझे बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना है? है ध्यान से जरा गड़बड़ करना। स्टाफ की सैलरी ये वो ये वो। इधर क्या पढ़ोगे इसको? इसको बहुत जरूरी तो देखना।, तो तो देखना तो आपका यहां पे काम करना इस चीज का टोटल करना कितना आता है इस चीज का जरा टोटल करना कितना आता है जरा देख लेते हैं uh, ये जस्ट कन्फर्म दिस की आपका आंसर ट्वेंटी फाइव लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड आया है क्या जी बिल्कुल ये टोटल कॉस्ट हो गया ये टेबल से आया है जी बिल्कुल ट्वेंटी फाइव लैख ट्वेंटी तो सर अगर ये मेरा खर्चा जो आया है ये मेरा टेबल से आया है इतने रुपये का मुझे बताओ इसमें एक और खर्चा होगा रेंट भी तो मुझे देना पड़ेगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैं भाड़े पे दे रहा हूं वो मैंने भाड़े पे लिए देखो ना इधर जो ये तो खर्चा होगा ही होगा प्लस मैंने भाड़े पे लिए ना ये बिल्डिंग जो मैं लोगों को भाड़े पे चिपका रहा हूँ सब लेटिंग है वो बिल्डिंग मैंने भाड़े पे लिया है बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ कितना टेन थाउजेंड पर मंथ अभी गड़बड़ मत करना ये पर मंथ है और ये जो तुम कर रहे हो ये पर एनम है बाबा देखो ना इधर लिखा गया था ये खर्चा पर एनम का था ये ईयर का था तो गड़बड़ हो सकती है तो मुझे बताओ रेंट कितना आ जाएगा ये दस हजार है इन टू बारह करना पड़ेगा बिकॉज आपने यहां पे जो खर्चा लिखा ये पर एनम का लिखा हुआ है सो यस टेन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व दैट इज वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड अच्छा एक और खर्चा है कौन सा बट वो जो खर्चा वो टेकिंग पे डिपेंडेंट है तो जो भी खर्चा टेकिंग पे डिपेंडेंट है उसको छोड़ देने का बाद में लिखने का एक और रेंट दिया जाएगा कि रेंट महीना ले लो प्लस जितना भी कलेक्शन आएगा उसका हम आपको 5 दे देंगे और जो भी खर्चा टेकिंग पे डिपेंडेंट होता है उसको मरक से डील करते हैं अभी एक काम करो ये दोनों को ऐड कर दो था आपका आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट लेकिन सुनना इसमें एक चीज और ऐड होगी रेंट और रेंट कितना आएगा फाइव परसेंट ऑफ टेकिंग वाला जब भी कोई भी खर्चा टेकिंग पे डिपेंडेंट होगा उसको अलग से लिख देने का टोटल कॉस्ट लिख के देखो ये फाइव परसेंट ऑफ टेकिंग रेंट देना पड़ेगा प्लस तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा जी फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे फिर हमें टेकिंग आ जाएगी कि एक साल में कितना रुपया कलेक्ट करेंगे अच्छा सर हम कितना रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सर 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 इस क्वेश्चन में ना एंड में लिखा है That we would like to 20 on sales. बिल्कुल। तो चलो आते हैं और इधर लिख देते हैं हम कमाना चाहते हैं सौ रुपए का सेल्स करूंगा तो बीस रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा मतलब अस्सी का खर्चा होगा और सौ रुपए के सेल्स में से पांच रुपया ऋण भी तो देना पड़ेगा ना ऐसा वो हमने दो कंडीशन पे लिए प्रॉपर्टी भाड़े पर कि तुमको एक फिक्स अमाउंट देंगे दस हजार का

आईसीआई ने क्या आईसीआई का तो छोड़ो देख के डर लगता आंसर जो भी है सुनना मुझे बताओ आपको कैन आई से दिस आपके पास टेकिंग अवेलेबल है इक्वेशन अभी होगा आपके पास टेकिंग एक्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है इज इक्वल टू आपके पास टेकिंग रुपीज के फॉर्मेट में अवेलेबल है क्लास और आधे घंटा चलेगी जशन मोस्टली या uh, yeah. तो आपकी जो टेकिंग है वो है इतनी वन जीरो फोर फोर डबल जीरो एक्स इज इक्वल टू अगर मैं रुपीज में बोलू तो इतनी है तो मुझे बताओ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये वाली जो वैल्यू है टू फाइव टू वन थ्री 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 डिवाइडेड बाई वन जीरो फोर फोर डबल जीरो कितना आ जाएगा थर्टी थ्री पॉइंट सेवन थ्री अगर रखोगे सिंगल रूम का हो गया डबल और ट्रिपल का आ जाएगा ना उससे सबसे से टू पॉइंट फाइव एक्स है और ये फाइव एक्स है फोर्टी so, हाँ सेवन थ्री बोलो अराउंड एट पॉइंट सिक्स मॉड्यूल से एक बार अगर मैं मैच कर लू तो मॉड्यूल का आंसर क्या है 84 क्या बात है? बढ़िया है, अच्छा लगता है जब एग्जैक्ट आंसर मैच होता है तो सही है फिर Decible का कोई ही नहीं क्या बोलते हो जी बिल्कुल अब हम आराम से इधर बैठते हैं हमारी चेयर लेके आते हैं जी डन सर ये बात हमको समझ में आ गई बिल्कुल एकदम अच्छे से मुझे खुद को देख के टेंशन आता है यूट्यूब पे कितना अच्छा दिखता हूं प्लस क्लास में पता नहीं कैमरे की क्वालिटी को क्या हो जाता है इधर कैसा एकदम मस्त लगता है अच्छा जी चलो सो so, इतना हमने कर दिया है अभी हम आगे बैठ रहे हैं सुनना थोड़ा सा और कुछ चेयर और बाहर रखना पड़ेगा तो देखिए तो सर इतना हमने सॉल्व कर दिया है अभी हम जरा आगे देखते हैं डन दिस इज समथिंग दैट वी हाँ बताइए मुझे आप आगे सॉल्व करने की इच्छा रखते हो कि थक गए हो कि नहीं नहीं सर हम पढ़ेंगे सर और पढ़ेंगे बताइए अभी क्या करेंगे ये वाला हमने करवा दिया अच्छा चलो एक और है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर सिक्स जो बी टोल प्लाजा सर अब ऑडिट कर दो कोई टॉपिक पॉइंट हो गया वो समझा देना जी बिल्कुल ऑडिट करने जैसा नहीं है चलेगा क्या अरे वो लिखना ही बेटर है मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन क्या वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है आप मत लिखो ये मिरर इफेक्ट मिरर इफेक्ट लग रहा है तुमको तो निकाल देते हैं जी जैसी आपकी इच्छा रुको जरा मिरर 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 शो ट्रांजिशन हाइड ट्रांजिशन ब्लेंडिंग इफेक्ट ट्रांसफॉर्म रुको 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 शो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म अच्छा उसके लिए इसको क्लिक करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म रोटेट uh, रोटेट 180 डिग्री फ्लिप हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डन चलो डन तो बताइए क्या आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े इफ दिस इज समथिंग दैट इज अंडरस्टूड वी कैन प्रोसीड अहेड और हम आगे का देखते हैं। जी एक और समझो जी ये टोल वाला टोल कलेक्शन वाला समझते एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है मस्त समझ में आएगा जरा देखते हैं चलो अब ये समझते हैं क्या हुआ भूख तो लगी है अरे भाई खाते ये कर लेना सुनना टोल प्लाजा कैसा होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि न, हम है ना हम रोड बना के देंगे गवर्नमेंट को जिसको हम बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर एग्रीमेंट बोलते हैं कि हम रोड बना के देंगे मतलब बिल्ट करके देंगे ये सिक्सटी किलोमीटर का लेटेस्ट है या दस किलोमीटर का हमने रोड बना के दिया अब ये रोड बना ये बिल्ट करके दिया फिर हम इसको क्या करेंगे ऑपरेट लेटस दस ये ट्वेंटी फाइव तक गवर्नमेंट ने एक भी रुपया नहीं दिया जो हमने रोड बनाया गवर्नमेंट ने कुछ रुपया नहीं दिया मान लो कि आपने एक रोड बना दिया हाईवे बना दिया गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया बोला तुम अपना देखो पब्लिक से पैसा लो फिर हमने पच्चीस साल तक क्या कलेक्ट किया टोल और जैसे ही मेरा सारा पैसा कलेक्ट हो गया देर वॉज अ एग्रीमेंट कि मैं पच्चीस साल तक पैसा कलेक्ट करूंगा और जैसे ही मेरा पैसा कलेक्ट हो गया मैंने क्या कर दिया ट्रांसफर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गवर्नमेंट को जिसको बीओटी एग्रीमेंट बोलते हैं बीओटी ज बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर एग्रीमेंट वैसा करके जी सो इट अबाउट नाउ लेट एस सी दिस अब हम क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट मोर आइडिया हा कि दिस इज हाउ इट इज डन करके ठीक है सो so चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन दैट केस ठीक यस चलो सो नाउ इन दैट केस लेट इज स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू गेट द मोर अबाउट दिस जरा देखते हैं चलो सो so अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखना यहां पे कौन सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर टेन है मॉड्यूल का तो एवरीबॉडी प्लीज कम टू इलस्ट्रेशन नंबर इलेन इन द मॉड्यूल एंड लेट इज एज टू व्हाट इज गिवन देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन है कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है देखिए चलो इसको हम ट्राई करते हैं ऐसे समझने का फटाफट फटाफट चलो देखते हैं सुनना हम यहां पे क्या करेंगे बी नाम की कंपनी है जो हमने सिक्सटी किलोमीटर का एक हाईवे बनाया है और इस हाईवे के लिए हम सोच रहे हैं कि कितने व्हीकल जाएंगे टोटल बारह करोड़ वेहीकल जाएंगे ओनली सिंगल टाइप मतलब बाइक के लिए अलाउड है या वैसा कुछ है बाई यूजिंग द हाईवे और ये हम कलेक्ट कितना करेंगे दस साल के लिए टोल कलेक्ट करेंगे और इस दस साल के ड्यूरेशन में अपने बारह करोड़ वेहीकल जाने वाले हैं ठीक है अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे डेटा कौन से महीने का है अप्रैल तो हम एक काम करते हैं अप्रैल के महीने का खर्चा निकालते हैं देखो इधर लिखा हुआ है कि अप्रैल के महीने का कॉस्ट पर मंथ कितना होगा चलो इसका ऑडिट कर, करवा के समझा दू या वो लिख के ही समझ में आता है बेटर है थोड़ा ऑडिट करवा के समझा देता है या तो सुनना सबसे पहला क्वेश्चन में क्या मांगा गया है कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ एक काम करते पहले एक महीने का खर्चा निकालते हैं कॉस्ट फिर इसको डिवाइड बाई क्या करते हैं किलोमीटर तो चलो पहले एक महीने का खर्चा निकालते हैं तो जरा देखना एक महीने का खर्चा इजी है कितने लोग हैं तीन तीन शिफ्ट मतलब सर चौबीस घंटे हैं तो आठ घंटा कोई एक काम करेगा आठ घंटा फिर कोई अरे पूरा चौबीस घंटे के लिए पैसा कलेक्ट करेंगे ना हाँ हाँ बाबा जुमेर तो वेहीकल मान लीजिए ना आप कोई फोर व्हीलर वगैरह वैसा तो तीन शिफ्ट में काम होगा और हर शिफ्ट में कितने लोग हैं चार सो तो आर थ्री शिफ्ट और हर एक शिफ्ट में चार चार लोग हैं मतलब टोटल बारह लोग रहेंगे अपने पास और 550 एक आदमी को हम देते हैं तो सुनो मैं क्या बोलता हूं आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो देखना जरा कि अगर मैं एक समझा दू तीन शिफ्ट होंगी पूरे एक दिन में वन डे जो ट्वेंटी का होगा उसमें चार चार लोग काम करेंगे पहले शिफ्ट में चार लोग चाहिए रहेंगे फिर दूसरे शिफ्ट में चार लोग फिर तीसरे शिफ्ट में चार लोग और हर किसी को कितना रुपया मिलेगा उसके एक दिन काम करने का मतलब एक शिफ्ट का पांच सौ पचास रुपया मिलेगा उसे आप बारह तरीके बाद इंटू ये कर सकते हो ये एक दिन का पैसा आ जाएगा राइट मतलब मैं क्या बोलता हूँ सीधा ऐसा करो ना थ्री फोर इंटू थ्री बारह हो गया फिर इंटू पांच सौ पचास करो ये एक दिन का हो गया पर डे का बराबर और इंटू हम अप्रैल के महीने की बात करें जनवरी फेबर मार्च अप्रैल अप्रैल में तीस दिन होते तो थर्टी डे चलो करो थ्री इंटू फोर इंटू फाइव फिफ्टी इंटू थर्टी कितना आएगा वन लाख नाइन एट थाउजेंड तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि पहला खर्चा कितना होगा वन लाख नाइन एट थाउजेंड चलो इधर ही लिखते जाते सो दैट वी विल अंडरस्टैंड पहला वाला खर्चा हो जाएगा वन लाख नाइन एट अकॉर्डिंगली ये पहला वाला फिर हम एक साथ ऐड कर देंगे चलो दूसरा वाला टू इंटू वन इंटू सेवन फिफ्टी एक दिन का हो जाएगा इंटू थर्टी डेज हमें एक महीने का चाहिए अप्रैल का टू इंटू वन इंटू सेवन फिफ्टी इंटू थर्टी तो ये कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड आ जाएगा देन तीन लोग कितना आ जाएगा टू लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड जी बिल्कुल फोर्टी फाइव थाउजेंड एग्जैक्टली एवरीबडी इज गिविंग द राइट आंसर इधर देखते हैं सर टू इंटू वन इंटू नाइन हंड्रेड इंटू थर्टी दैट विल बिकम कितना फिफ्टी फोर थाउजेंड एक काम करो ये सबको ऐड कर दीजिए और कितना आता है ज़रा देखता है वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस टू लाख फोर्टी थ्री थाउजेंड प्लस फिफ्टी फोर थाउजेंड सो आपकी टोटल कितनी आ जाएगी फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड दैट यू शुड गेट

not done monthly depreciation and amortization expense will be 1.5 crores ye bhi aayega to 1.5 crores 1.5 crores bole to abhi yahan pe that is into 1 cr agar aap karte ho that is 150 lakhs depreciation wagera मुझे बताओ total मिला के कितना खर्चा हो जाएगा ये भी ऐड कर दिया And further company needs profit वगैरह ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट ओवर द टोटल कॉस्ट बोला है ओके okay, पहले एक सेकेंड पहले तो कॉस्ट पर मंथ निकालना है और उसको डिवाइड बाई किलोमीटर करना है तो एक काम करो पहले कॉस्ट निकालो ये सब एड करके फाइव लाख फोर्टी प्लस थर्टी नाइन लाख फोर्टी प्लस जी बिल्कुल दैट इज वन करोड़ 94 फोर लाख एटी थाउजेंड वन करोड़ नाइन्टी फोर लैख एटी थाउजेंड सर ये हमारा आंसर होगा वन करोड़ नाइन्टी फोर लैख एटी थाउजेंड हमारा खर्चा होगा ये कॉस्ट पर मंथ है हमें कॉस्ट पर मंथ नहीं उसके आगे एक और चाहिए कॉस्ट पर मंथ किलोमीटर देखो क्या लिखा है पर, तो निकालो निकालो। तो पर किलोमीटर भी तो और ये कितने का है हम 60 किलोमीटर का रास्ता बना रहे तो डिवाइड बाय 60 किलोमीटर दीजिए एंड देन आंसर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर कितना आ जाएगा थ्री टू फोर सिक्स सिक्स सेवन देखिए क्या आंसर आया आपको पर पर मंथ किलोमीटर कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ एक महीने में ये पर मंथ जी यहाँ पे डिवाइड बाय किलोमीटर करा है मॉड्यूल से एक बार मैच करना हो तो हाँ वैसे ये देखो यहां तक आंसर आ गया है अपना ये मतलब हमने राउंड ऑफ कर दिया इधर वैसे बट दैट इज ओके आगे सर कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल एक व्हीकल से आप कितना रुपया लोगे ये हमें निकालना बोला सर निकाल देंगे ना क्या बड़ी बात है एक काम करो कितना रुपए लोगे उसके पहले ये बताओ एक महीने में ये आपका एक महीने का कॉस्ट आया था मुझे बताओ ये आपका एक महीने का कॉस्ट आया था आप इसके ऊपर प्रॉफिट भी तो कमाओगे ना ये तो कॉस्ट पर किलोमीटर बोला था तो प्रॉफिट भी कमाओगे तो टोटल चार्जेस आ जाएंगे और आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो ट्वेंटी ओवर टोटल कॉस्ट बोला है ध्यान से ओवर टोटल कॉस्ट तो जो टोटल कॉस्ट आपका आया है जैसे अगर आप इधर कैलकुलेट करोगे जो कॉस्ट आया है उसके ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट निकाल लो तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट ओवर कॉस्ट बोला है इस बार तो इसके ऊपर निकालना है जी बिल्कुल गेमिंग uh, परफेक्ट इतना आंसर आ जाएगा दिस इज माई टोटल टोल चार्जेस इतना मैं कलेक्ट करना चाहता हूं और मुझे बताओ ये टोल चार्जेस एक महीने में मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ इतना मेरा कॉस्ट है इतना मैं प्रॉफिट करूंगा और बोलूंगा इतना मुझे भी टोल चार्जेस चाहिए लेकिन ये टोल चार्जेस किसका निकालने बोला है पर व्हीकल अच्छा सुनो 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 ये टोल चार्जेस क्या है पर मंथ है हा? पर मंथ है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा अभी कितने वेहीकल दट इज डिवाइड बाई व्हीकल्स भी पर महीने के चाहिए रहेंगे ना एक महीने के और सर एक महीने के व्हीकल कैसे आएंगे जी बिल्कुल तो सर इस वाले क्वेश्चन में है ना अगर आप नोटिस करोगे इस वाले क्वेश्चन में आपको व्हीकल्स दिए गए इतना ड्यूरिंग द दस कलेक्शन पीरियड सो बारह करोड़ व्हीकल है जो आपके जाएंगे बारह करोड़ व्हीकल सो so, मुझे बताओ अगर बारह करोड़ व्हीकल जाएंगे तो डिवाइड बाई टेन ईयर्स करूंगा तो एक साल क्या आ जाएंगे और इंटू वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करूंगा तो एक महीने क्या आ जाएंगे आपको समझता है तो बारह करोड़ टाइप करो बारह ये 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 सात जीरो मार दिया डिवाइड टेन कर दिया तो सर तीन चार पाँच एक करोड़ बीस लाख व्हीकल एक साल में जाएंगे डिवाइड बाई बारह मतलब एक महीने में दस लाख व्हीकल जाएंगे एक महीने में दस लाख व्हीकल जाएंगे टू फोर थ्री फाइव अरे ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री फाइव जी जशन कहाँ गलत हो गए क्या किया ऐसा कुछ बारह करोड़ वेहीकल दस साल में जाएंगे तो डिवाइड बाई टेन कर दो तो आपको एक एक साल के व्हीकल आ जाएंगे यूनिट तो में so, आपका आंसर अगर मॉड्यूल से मैच करना हो तो मॉड्यूल जी बताइए जी आंसर जी आपका जी ये वाला आंसर एक है दूसरा है ये कुछ है, जी बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है आई एम हैप्पी आई होप आपको रिविजन लेक्चर में सारा अच्छे से समझ में आता है हमने प्लस में एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक घंटा तक लिया हुआ है समझाने के लिए और इधर मैं आपको एकदम to the point समझा रहा हूं और वो सारी बातें दिमाग में जा रही है इन प्लस वी समझना ये करना इधर हम एकदम ऐसा फटाफट कर रहे हैं तो आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल यस सर ये अंडरस्टैंडेबल है अब हम आगे बढ़ते हैं सुनिए आगे करने की इच्छा है तुम्हारी कि सर अभी हमको भूख लगी है ये बाद में करा दीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक जी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है अच्छा ये बढ़िया है सुनो पीडीएफ अवेलेबल कहा होगा आयुष पीडीएफ इसका तो अवेलेबल नहीं होगा ये तो तुमको मेरे साथ लिखना है सर्विस कॉस्टिंग का हाँ कुछ एक दो दूसरे चैप्टर जो बोले उसका हो जाएगा बट ये वाले का क्या अवेलेबल करवाना तो तुम मेरे साथ लिख रहे हो और ये बुक तो ऐसे अवेलेबल नहीं होगी ये वाली ये तो बोलते हैं ना मास्टर बुक जैसा है ये मिलना मुश्किल होगा आपको अभी मेरे साथ लिखना है वैसा है चलो अभी हम आते हैं इधर सुनिएगा एक और क्वेश्चन मजा आता है चलो एक और क्वेश्चन बढ़िया एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थ्री इधर से ही समझा देता हूं देखना इसको लिखने की भी जरूरत नहीं चाहिए तो इसको या तो चलो लिख के ही करते लिखने का कोई अपना ही मजा है एकदम चलो पानी है क्या नहीं क्या तो बढ़िया एकदम फटाफट फटाफट पता -फटा है आधा टॉपिक हो रहा है तुम्हारा आधा इस दो घंटे में ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे में हम आधे इस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन करते हुए तो, डेढ़ घंटे में प्लस में तो एक ही लेक्चर हो एक ही क्वेश्चन होता है कभी कभार उतना आराम से पढ़ाना पड़ता है अच्छा पी थ्री चलो So, इधर हम आते हैं पीपी -पी थ्री पे इधर तुम अच्छे बच्चे की तरह समझ लेते हो वैसा है तो चलो पीपी -पी थ्री अभी इसकी बात करते हैं सुनना अगेन यहां पे कंपनी के पास तीन ऑप्शन है पीपी -पी थ्री पे आते हैं पीपी थ्री पीपी पीपी -पी थ्री जी उसको पैसे देके खरीदना पड़ेगा बिल्कुल सुनो अगर हम इधर देखेंगे तो सर कंपनी इज कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव तीन ऑप्शन है कंपनी के पास क्या बात है कंपनी बहुत सही है कितने ऑप्शन रखती है तीन प्रपोजल्स फॉर फैसिलिटीज ऑफ इट सेल्स पर्सन तो देखो एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर है ना कुछ लोग काम करते हैं सेल्समैन लोग मान लेते हैं एक सेल्समैन की बात करते हैं इसको ना बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है सेल्समैन को कस्टमर के लोकेशन पे इतना कैसे सफिशियंट होगा जी पूरा करो इतना बेटर है ना मॉड्यूल सफिशियंट होगा मैं बोल सकता हूँ तो सर एक सेल एक कंपनी है उसके अंदर एक ये सेल्समैन है सेल्समैन को बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाड़ी खरीद के दे या इसको बोलो तू तो खुद की गाड़ी यूज कर या मैं भाड़े पे गाड़ी दू एक एक करके पढ़ते ये तीनों ऑप्शन समझ में आ जाएंगे पहला ऑप्शन मैंने सोचा गाड़ी खरीद के दे देता हूं उसको कि भाई यूज कर ले तू दूसरा ऑप्शन गाड़ी खरीदता नहीं उसको बोलता हूं अलाउ द एग्जीक्यूटिव यूज ओन व्हीकल उसको बोलता तू तो अपनी गाड़ी यूज कर मैं तुझे क्या करके दे दूंगा रिमबर्समेंट जो भी खर्चा होता है रिमबर्समेंट करके दे दूंगा या तो मैं गाड़ी खरीद के आपको दूंगा मतलब खरीद के आपको दूंगा मैं तो आपको बोलूंगा आप खुद की गाड़ी यूज करो मैं आपको रीमबर्स करवा दूंगा खर्चे या तो मैं आपको गाड़ी दूंगा लेकिन भाड़े पे लाके दूंगा भाड़े पे खरीद के नहीं यहाँ पे मैं खरीद के दे रहा था इधर मैं भाड़े पे दूंगा तो तीन ऑप्शन है या तो आप गाड़ी खरीदोगे परचेस या तो उसको बोलोगे तू खुद का यूज कर मैं रि करवा देता हूं या तो परचेस रिम्बर्स या तो थर्ड ऑप्शन है आप उसको हायर करके दोगे गाड़ी भाड़े पे लाके दोगे डन चलो अभी क्वेश्चन में है ना बहुत सारे खर्चे हैं देखो जरा और हमको हमारा सेल्समैन कितना किलोमीटर्स के लिए ट्रैवल करने वाला है यह हमें पता है हमारा सेल्समैन है ना हमारा सेल्समैन वो कितने किलोमीटर के लिए ट्रैवल करने वाला है तो किलोमीटर चलो डन ये भी समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ते हैं चलो अब अगर हम यहां से आगे जाते हैं अगर हम यहां से आगे जाते हैं परचेस एंड मेंटेन ओन ऑफ व्हीकल हम खुद की गाड़ी लेके आएंगे तो हमें को एक कार का खर्चा कितना है छह लाख अरे इससे गुमरा हो ना हमें तो डेप्रिसिएशन चाहिए हम आगे बढ़ते हैं चलो एक काम करते हैं पहले ये अगर मैं खुद की गाड़ी खरीदूंगा ना खुद की ओन अगर मैं खुद खरीदूंगा तो मेरे सारे खर्चे हो जाएंगे मैं एक एक करके लिख देता हूँ इस बार मैं डेप्रिसिए लिख रहा हूँ पहले मैं ये चीजें लिख देता हूँ पहला पेट्रोल का खर्चा कितना है छह रुपया और हम सेल्स को एक साल में कितना किलोमीटर ट्रेवल करवाने वाले हैं हम सेल्समैन को एक साल में बीस हजार किलोमीटर के लिए ट्रेवल करवाने वाले हैं तो पेट्रोल का खर्चा कितना होगा इंटू सिक्स क्या बात है फोर्टी फोर लाइक हो गए ये तो पता ही नहीं जी बिल्कुल वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो अगर मैं इधर बोलू पेट्रोल तो सबसे पहला खर्चा पेट्रोल लिख देते हैं लिख दो पेट्रोल पेट्रोल कितना है चार रुपया छह रुपया है सॉरी छह रुपया है सर एक, एक किलोमीटर का और हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी बीस हजार किलोमीटर तो कितना आ जाएगा सिक्स इंटू ट्वेंटी थाउजेंड एक लाख बीस हज़ार खुद की गाड़ी है तो सारे खर्चे मुझे ही करने पड़ेंगे ना खुद खरीद के दे रहा हूँ पेट्रोल फिर क्या लगेगा टायर का खर्चा टायर टायर का खर्चा कितना लगेगा तो सर टायर का खर्चा लगेगा पॉइंट टू जीरो पॉइंट वन टू इंटू कितना किलोमीटर्स बीस हजार किलोमीटर्स तो ठीक है पॉइंट वन टू इंटू बीस हज़ार किलोमीटर्स कितना आ जाएगा बीस हज़ार इंटू पॉइंट दैट इज दो हज़ार चार सौ ठीक है टैक्सेस टैक्स Tax कितना देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा आठ सौ रुपया पर कार पर एनम ठीक है तो एक साल का टैक्स आ जाएगा आठ सौ रुपया फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये कितना देना पड़ेगा पॉइंट टू पर बोला है और एक साल में अपनी गाड़ी कितनी चलेगी बीस हज़ार किलोमीटर पॉइंट टू इंटू बीस हज़ार क्या बोलते हो चार हजार आ जाएगा जी बिल्कुल धन्यवाद आपको आंसर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है जी मस्त है अभी आगे बढ़ते हैं सर इंश्योरेंस अगर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो जरा देखना रिपेयर एंड मैंटेन्स के बाद इंश्योरेंस अगर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इंश्योरेंस का खर्चा सीधा दे दिया बारह सौ रुपया अगर खुद की कार है तो ये सारे खर्च हो जाएंगे कि इंश्योरेंस रिपेयर सब मुझे देना पड़ेगा इंश्योरेंस बारह सौ रुपया पर आना मुझे एक साल का ही चाहिए मुझे एक साल का खर्चा चाहिए जिसमें मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चलने वाली है बीस हज़ार किलोमीटर चलने वाली है सेल्समैन को मैं देने वाला हूँ चलो अभी मैं क्या बोलता हूँ गाड़ी मेरी खुद की रहेगी ना खरीदी हुई तो डेप्रिसिएशन भी तो आएगा डेप्रिसिएशन तो अभी एक एक करके खर्चा देखो डेप्रिसिएशन अगर मेरी खुद की गाड़ी है तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा तो सर खरीदी कितने में है गाड़ी सर हमने गाड़ी छः लाख में खरीदी एवरेज कॉस्ट एक गाड़ी छः लाख में खरीदी है सर कुछ भंगार विंगार मिलेगा क्या हाँ मिलेगा एटी थाउजेंड देखो फिफ्थ ईयर के एंड में सो छः लाख का खर्चा डिवाइड बाई एटी थाउजेंड वापस मिल जाएगा तो मेरा नेट खर्चा आ जाएगा और ये नेट खर्चा करके मेरी गाड़ी कितने साल चलेगी पाँच साल तो एक साल का खर्चा आ जाएगा जहाँ पे बीस हजार किलोमीटर के लिए गाड़ी चलती है एक साल में एनुअल तो छः लाख में से अस्सी हज़ार कट कर दो तो कॉस्ट माइनस कराया पाँच लाख बीस का मेरा नेट खर्चा है और ये नेट खर्चा पाँच साल में राइट ऑफ करना है तो एक साल का एक लाख चार हजार आ जाएगा जी बिल्कुल ये डेप्रिसिएशन आ गया ये सारे खर्चे करने पड़ेंगे अगर मैं ये खुद से करता हूँ तो देखो ये पहला पहला हो गया अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ मैंने बोला ठीक है गाड़ी खरीदते नहीं है काम करते हैं एग्जीक्यूटिव तेरे पास कार है ना मैं कहीं को दू तू अपना यूज़ कर अच्छा तेरा खर्चा हो रहा है तो रिमबर्समेंट में क्या क्या दूंगा रिमबर्समेंट तो मैं उसको रीमबर्समेंट में ना कितना दूंगा ये दस रुपया पर किलोमीटर दूंगा दस रुपया पर किलोमीटर अगर आप यहां पे नोटिस करोगे मैं उसको दूंगा टेन रुपीज पर किलोमीटर तो हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चलने वाली है टेन रुपीज़ एक किलोमीटर का दूंगा बीस हजार किलोमीटर चलेगी मैं इधर बात कर रहा हूँ तो ये इधर खर्चा होगा बीस हजार इंटू टेन दो लाख का अच्छा इसके अलावा हम और भी किसी चीज का रिमबर्समेंट देंगे ऑल्सो बेयर द इंश्योरेंस कॉस्ट और इंश्योरेंस का भी हम ही देंगे उसको तो बारह सौ रुपया दे देंगे इधर क्या बात है एकदम अच्छे से दिमाग में क्लियर है ये हाँ बिल्कुल ये एकदम अच्छे से क्लियर है सर ये भी हम दे देंगे अब इसके बाद अगर मैं गाड़ी भाड़े पे खरीद के लाता हूं मैं मैं, मैं जो आपको गाड़ी देनी आप सेल्समैन हो मैंने भाड़े पे लाई तो भाड़ा कितना देना पड़ेगा हायर कंपनी को हायर चार्जेस वाली कंपनी को तो हायर चार्जेस अगर मैं भाड़े पे लेके आता हूँ गाड़ी तो तो मुझे भाड़ा एक लाख अस्सी हजार का देना पड़ेगा एक लाख अस्सी हजार का देखो इधर पर एन और कंपनी विल आल्सो बेयर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पेट्रोल भी भाड़े पर लाइए ना सर पेट्रोल तो अपना ही जाएगा तो एक लाख बीस हजार जाएगा अगर मैंने भाड़े पे गाड़ी लाता हूँ खाली डेप्रिसिएशन देप, नहीं आएगा बिकॉज भाड़े पर लाइए लेकिन भाई पेट्रोल अपना जाएगा टैक्सेस भी अपने को देने पड़ेंगे तो टैक्सेस भी आ जाएंगे अपने जेब से जाएंगे यहाँ पे एंड टायर का खर्चा घीसे का टायर तो नया टायर डालना पड़ेगा ये भी अपने जेब से जाएगा तीन खर्चे हो जाएंगे पेट्रोल और ये सो so, देखो ये आपका मेन आंसर है कि ऐसा ऐसा होगा खुद की गाड़ी है तो ये सारा लगेगा फिर अगर रिमबर्स कर रहे हो तो रिमबर्समेंट का देना पड़ेगा प्लस ये और अगर आप भाड़े पे ले रहे हो तो भाड़ा और प्लस तीन खर्चों का बोला था कि हमें खुद को बेयर करने पड़ेंगे टेक द टोटल टेक द टोटल टेक द टोटल एक लाख बीस प्लस दो हजार चार सौ प्लस आठ सौ प्लस चार हजार प्लस बारह सौ प्लस एक लाख चार टू लाख थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टू जीरो वन टू डबल जीरो थ्री जीरो थ्री टू डबल जीरो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ हाँ जाएगा जरा देखते हैं और इसके बेसिस पे क्या आ जाएगी आपके रैंकिंग सर ये कॉस्ट है तो रैंकिंग ज्यादा कहां, तो कहां पे लग रहा है सबसे इधर फिर इधर फिर इधर क्या बोलते हो री एम्बर्समेंट इज द बेस्ट ऑप्शन उसके अलावा अगर मैं बेस्ट ऑप्शन बोलू तो खरीदना उसके बाद भाड़े पे लेना गाड़ी सो so ये खर्चे को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि बराबर आए कि नहीं टू थर्टी फोर ये टू जीरो तो देखो ये आपका सलूशन होगा ये आपका सलूशन होगा एग्जैक्ट इसका अच्छा सा लिखा हुआ द सेकंड अल्टरनेटिव दैट इज यूज ऑफ ओन कार बाय एग्जीक्यूटिव एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंपनी इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलते हो समझे कि ना समझे इस बात पे एक लाइक हो जाए अपनी रैंकिंग भी टॉप पे आ जाए ओहो एक लाइक मैं मार देता हूं 44 वापस कर देते हैं हैं ये क्या रहा? खेला हो रहा है कभी कम दिखता है कभी ये चलो डन समझे जी बिल्कुल ये एकदम परफेक्टली समझ गए आप बढ़िया है सर तो सर्विस कॉस्टिंग क्या है सर्विस कॉस्टिंग कुछ नहीं है रि वाला बेस्ट ऑप्शन है क्या अभी आपके पास ताकत है तो एक दो क्वेश्चन और निपटाई दिए जाए कि नहीं सर बुझे कि सर हमें अभी खाना खाना है इसको हम बाद में करेंगे फिर बाद में कब करेंगे वो टेंशन रहता है रह जाता है फिर वो मुझे बताओ अब और करना है या इतना काफी है अब छुट्टी पोल भी नहीं ले सकते इधर तो हम बताइए और किया जाए कि सर इतना काफी है हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिस्कस कर लो नो, no. डिस्कस कर लेते सुनो ये क्वेश्चन भी काफी इजी है सुनिएगा जरा ध्यान से अगर ऐसा है तो बाद में एक लेक्चर रख देते है? एक लेक्चर और है. करा दो आज के लिए बहुत है सर प्लीज चलो एक काम करते हैं ऐसा है तो आज का सेशन इधर खत्म कर देते हैं काफी है बाद में हम करेंगे याद रखिएगा कहां तक मैंने क्वेश्चंस करवाए थे कोई तो यहां तक करवाए थे आ, ये प्रैक्टिकल ये एक नहीं करवाया था बस तो प्रैक्टिकल नंबर ये प्रॉब्लम सेवन तक करवाए थे वैसा डन खत्म ही करवा दो खत्म के लिए एक और लेक्चर रखना पड़ेगा आज के लिए इतना काफी करते चलो अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो प्लीज़ एक लेक्चर खत्म होने के बाद हैश टैग टी आर पी सर इतना आप कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो और आप यहाँ तक हो मतलब ये तो बनता ही है ओके रात को रखो चलो एक आधा लेक्चर हम बाद में रख दे वन शॉट है ना अभी एक टू शॉट बना देंगे उसको निखिल इलास्टेशन नंबर इलेवन इलास्टेशन नंबर इलेवन एंड में करे आपकी जैसी इच्छा हो तो उसको भी करना ही है वैसे इलेस्टेशन नंबर इलेवन कौन सा है ये बड़ा सा क्वेश्चन है ओहो समझा ये वाला क्वेश्चन करवाना है ये बड़ा सा सलूशन है इसका करेंगे करेंगे अभी के लिए इतना काफी है अभी इधर कमेंट नहीं करना है लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कर देना है सी राहुल पंचाल टीआरपी सर आप मुझे कहीं पे भी ढूंढ सकते हो इस नाम से शायद मिल ही जाऊंगा या राहुल पंचाल डाल दीजिएगा चलो आज के लिए इतना काफी रखते हैं रीजन ऑफ एन अकेडमी टी आर पी नहीं, नहीं आ, पीपी ऐसा नहीं है यहाँ पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं धन्यवाद आपको बड़ा के अच्छा लगा हम भी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए